हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं और तो आप सभी को इस वीडियो के नीचे एक रेड सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, आप उसके साइड में आपको एक बेल वाला आइकन भी दिख रहा होगा। तो अभी जाइए, उन दोनों को प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरे चैनल से कनेक्ट हो सके, आप मेरे आने वाले हर नए वीडियोज़ को आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें, अपने लाइफ में ग्रोथ कर सकें और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सकें। तो स्टार्ट करते हैं हमारा दोस्तों आज का एक नया वीडियो। आज हम बात करेंगे अच्छे मानव कैसे बने, मतलब अच्छे गुड ह्यूमन बींग कैसे बने। हमें जीवन में अच्छे मानव बनने की आवश्यकता है, गुड ह्यूमन बींग बनने की आवश्यकता है। तो हम कैसे बने, उसके लिए आज हम इस वीडियो के थ्रू बात करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये नया वीडियो। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कि हमें जीवन में एक अच्छा मानव बनना चाहिए। अच्छे मानव बनने के लिए तीन चार चीजें हमें दिमाग में ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब, पहला जो हमारा आज का जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि एक्सेप्ट गुड हैबिट्स, मतलब आपको जीवन में अच्छी आदतों को अपनाने की आवश्यकता है। जैसे कि हम बात करेंगे तो अच्छी आदत मतलब गुड हैबिट्स, जैसे सुबह उठकर जल्दी उठने के बाद टाइम पर, मतलब क्या बोल, सुबह उठकर हो सके तो वॉक वगैरह करना, मतलब सुबह जाकर वॉक वगैरह करना। उसके बाद क्या बोलते हैं, फिर स्टडी अगर हो सके तो कई लोग जैसे जिनके ऊपर एग्जाम का प्रेशर या सब्जेक्ट का स्टडी का प्रेशर होता है तो सुबह के टाइम 5 बजे उठकर अपना, मतलब हैबिट्स की बात कर रहे हैं, मतलब अच्छा मानव बनने के लिए, मतलब आप सुबह के टाइम उठकर स्टडी कीजिए, अच्छी स्टडी करोगे तो आप अच्छे सब्जेक्ट में अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। एग्जाम देने के बाद अच्छे नंबर से पास हो गए तो आप एक अच्छे हैबिट्स को अपना रहे हो, मतलब अच्छी नॉलेज होगी आपकी, अच्छी आपकी डिग्री वगैरह होगी तो आप आगे जाकर अच्छे ह्यूमन बींग ही बनोगे, क्योंकि आपको अच्छी जॉब मिलेगी। तो सुबह उठकर अच्छे हमारा सब्जेक्ट का स्टडी करना, नहीं तो मॉर्निंग वॉक करना, मतलब या फिर सुबह उठकर मेडिटेशन करना, योगा करना, फिटनेस के लिए, ये सब हमारी अच्छी आदतें हैं। मतलब उसके अलावा तो फिर अगर कोई आपसे बड़ा व्यक्ति है या आपके भाई है, पिताजी हैं, दादा दादी, नाना नानी है, मतलब हर सुबह उठकर मतलब फ्रेश होने के बाद जो आपके पेरेंट्स होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, तो अच्छे हैबिट्स में यही माना जाता है सुबह उठकर सबसे पहले हमें जो हमारी धरती माता होती हैं, मतलब हमें अपनी मातृभूमि का, मतलब अपने सबसे पहले उसको छूना चाहिए, स्पर्श मतलब जमीन को छू के, जो मातृभूमि छू कर उनका धन्यवाद करना चाहिए और उनको बोलना चाहिए, मतलब उनका धन्यवाद करना चाहिए पहले कि हम आप आज हमें फिर से एक नया दिन मिल रहा है अपने आप को बेस्ट बनाने का। उसके बाद अपने पेरेंट्स के पैरों को छूना चाहिए कि हमें आप ब्लेसिंग दीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि हम आज कुछ फिर अच्छे आज अच्छे अच्छे कर्म करें, अच्छी अच्छी चीज़ों को सीखें। फिर ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, उनके पैरों को छूना चाहिए और सबसे ब्लेसिंग लेते हुए फिर हमें अगर स्कूल जाना है तो स्कूल के लिए तैयार होना चाहिए, और अगर जॉब पर जाना है या कॉलेज जाना है तो इसके लिए हमें तैयार होना चाहिए। तो ये था हमारा मतलब अच्छी आदतों को अपनाना। फिर अगर हमसे बड़ा व्यक्ति हो या छोटा व्यक्ति क्यों ना हो, बड़ा व्यक्ति है तो पैरों को छूते हुए मतलब उनसे आशीर्वाद लेना, और जो भी वो काम बोलते हैं या काम करने को बोलते हैं तो उनकी आज्ञा का पालन करना, मतलब जो भी हमें काम करने को बोलते हैं। और अगर हमसे छोटा व्यक्ति है तो छोटों को प्यार देना, मतलब तो छोटा अगर हमसे छोटा भाई या छोटी बहन है या फैमिली में कोई है, भतीजा भतीजी है, मतलब तो उनसे प्यार करना उनको, और जो भी हमने अच्छी चीज़ों को सीखा है अपने हैबिट्स के अंदर उन चीज़ों को आगे फॉरवर्ड करना, मतलब अपने अच्छी आदतों को मतलब आगे छोटे बच्चों को सिखाना जो हमसे छोटे हैं, क्योंकि हम अच्छे बनेंगे और हमारे संस्कार मतलब हमारे अच्छे आदतों अगर वो बनाएंगे तो वो हमारे जैसे ही बनेंगे। तो ये था हमारी हैबिट्स को मतलब अच्छे से बातचीत करना, छोटे से प्यार करना, बड़ों के पैर छूना, उसके बाद आती है अच्छे संस्कारों को अपनाना, मतलब अच्छा ह्यूमन बींग बनने के लिए, अच्छा मानव बनने के लिए मतलब अच्छी हैबिट्स को अपनाने के साथ साथ मतलब आपको अच्छे संस्कारों को भी अपनाना पड़ेगा। अच्छे संस्कार मतलब जैसे हर व्यक्ति, चाहे वो आउटसाइडर क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी मतलब किसी भी पोस्ट पे क्यों ना हो, जैसे हम बाहर जाते हैं मतलब
अलग अलग तरह के लोग हमें दिखते हैं। आप ऑफिस में मतलब जैसे आंटी वगैरह काम करती हैं, या कोई साफ करने वाले आंटी आती हैं, मतलब या सुबह के टाइम दूसरे बंदे आते हैं गली में, मतलब कई बार कूड़ा उठाने वाले बंदे भी आते हैं, मतलब जो गाड़ी लेके आते हैं। तो मतलब कहने मतलब आपको जो मतलब हर व्यक्ति से अच्छे से बात करना, अच्छे से समझाना, और जैसे मैंने बताया कि आपको अच्छा अपना बिहेवियर रखना, चाहे वो कैसा व्यक्ति क्यों ना हो। टीचर, आप स्कूल में रहते हो, कॉलेज में जाते हो, तो आप टीचर वगैरह होते हैं, तो अगर वो आपको कोई भी चीज समझाते हैं मतलब, तो आपको उनकी बातों को सुनना चाहिए मतलब, क्योंकि आप सुनोगे तो जैसे मैंने आपको इसके पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, जीवन के 3 सच्चे साथी मतलब, कि जीवन के वो 3 लोग जो हमें कभी भी गलत रास्ते पर नहीं निकाल लेके जाते हैं, या कभी हमें गलत रास्ता नहीं दिखाते, वो होते हैं हमारे माता पिता और गुरु। ये 3 लोग हमें हमेशा अच्छे रास्ते पर दिखाएंगे, हमें हमेशा मोटिवेट करेंगे, हमेशा गाइड करेंगे, हमारा मेंटरिंग करेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि टीचर अगर आपको कुछ बात बता रहे हैं, कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है मतलब, तो आपको उनकी बातों को जो भी वो बता रहे हैं उनको सुनने की आवश्यकता है। और जब हमसे कोई बड़ा बोल रहा होता है, तो वहाँ पे एक चीज कहा जाता है मतलब, जब कोई बड़ा व्यक्ति हमें कुछ समझा रहा होता है, कुछ बता रहा होता है, या किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा होता है, तो हमें उस चीज को जवाब देने की बजाय या कुछ पूछने की बजाय, मतलब पूछो लेकिन एक ब्रेक के बाद, लेकिन जब तक वो बंदा अपना कंटिन्यू स्पीच दे रहा है या बता रहा है मतलब, उन चीज़ों को सुनते रहो और सुनने की कोशिश करो कि वो बंदा एक्चुअली बोलना क्या चाह रहा है और किस टॉपिक को लेकर अगर वो बात कर रहा है बंदा। क्योंकि एक संस्कारी व्यक्ति वही है, जब कोई बड़ा व्यक्ति कुछ समझा रहा होता है, बीच में उसको डिस्टर्ब नहीं करते, वरना वो फ्लो खराब हो जाता है। तो आपको इस हैबिट को भी बनाना चाहिए कि कोई आपसे बड़ा, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, अगर कोई अच्छी बात बता रहे हैं आपको गलती करने पर, या आपको आपकी लाइफ से रिलेटेड कोई चीज़ आपको समझा रहे मतलब, पहले उनकी बातों को सुनना चाहिए। सुनने के बाद अगर आपको कोई डाउट लगता है, चाहे वो टीचर ही क्यों ना आपको किसी टॉपिक को लेकर या किसी सब्जेक्ट को लेकर डिस्कस कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, तो पहले आप उन चीज़ों को अच्छे से सुनो, जब तक कि वो टॉपिक या वो सब्जेक्ट या वो बात खत्म नहीं हो जाती। उसको पूरा सुनने के बाद फिर अगर आपको कुछ डाउट लगता है, क्वेश्चन आता है, या आपके दिमाग में कुछ उठता है मतलब, किसी चीज़ का मतलब, कोई चीज़ क्लियर नहीं होती है मतलब, तो आप अपने पेरेंट्स से, या बड़े भाई से, या ग्रैंड पेरेंट्स से, या आपके जो गुरु जी हैं, आपके टीचर हैं, उनसे आप पूछ सकते हो, फिर वो आपके उसमें भी आपकी हेल्प करेंगे। बट समझाते वक्त बीच में टोकना नहीं चाहिए। इस तरीके से हम क्या रहता है कि जब दो बड़े बीच में, मान लो आप बैठ के मतलब अपने पेरेंट्स के बीच में बैठे हुए हो, और आपके फूफा जी, ताऊ जी, चाचा जी, नानी जी, मतलब दो सीनियर बंदे आपस में बात कर रहे हो, तो वहाँ पे एक संस्कार में ये भी कहा जाता है कि जब दो बड़े बीच में बात कर रहे हो, तो बीच में छोटे, जो उनसे एज में छोटे होते हैं या तजुर्बे में छोटे होते हैं, तो उनको बीच में, उनके आपसी बात के बीच में टोकना नहीं चाहिए, या उनको आपसी बात करते हुए डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो ये भी एक अच्छा संस्कार है मतलब, कि आपको मतलब इस तरह के मतलब कोई बात करना हो तो आपको बीच में टोकना नहीं चाहिए। दूसरा, आप अच्छे मानव कैसे बन सकते हो, अपने अंदर दयालुता की भावना को लाकर, काइंडनेस की भावना को लाकर। तो कोई भी व्यक्ति होता है, आपको उसके संग अच्छे से भाव मतलब, उसके संग अच्छी दयालुता की भावना, काइंडनेस की भावना रखनी है। गरीब कोई व्यक्ति होता है तो कभी कभी उसकी मदद कर दे, गली में जानवर घूमते तो कई जो शरारती बच्चे होते हैं, मैंने कई बार देखा है कि पत्थर उड़ा के उसको हिट कर देते हैं, तो डोके भाग जाता है मतलब, या कहीं छुप जाता है, गली से निकल जाता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप समझदार हो मतलब, आप बच्चे हो तो आपको छोटे बच्चों को समझाना चाहिए, कि क्योंकि जानवर जो होते हैं वो बोल तो सकते हैं नहीं है मतलब, और वो भी आप पर ही, गली के लोगों पर आश्रित होते हैं, डिपेंड पर होते हैं कि आप उन्हें कुछ खाने को देते, तो वहां पर भी हमें गली के जो जानवर होते हैं उनके उनकी देखभाल करना, कहने मतलब कुछ जो खाना मतलब, जैसे अच्छे संस्कारों के खाना कोई एक्स्ट्रा बन जाता है और खराब नहीं होता है, गली के बाहर किसी बर्तन में पानी या खाने को रख देना, कि गली में जानवर हो, कोई आए, चाहे वो डॉग हो, कैट हो, कोई घूमते रहते हैं सब ज्यादातर, या फिर गाय हो, कभी कभी वो उस खाने को खा ले और खाने का अनादर ना हो। पक्षियों के लिए मैं आपको एक वीडियो बना चुका हूँ कि पक्षी वगैरह भी गर्मियों के टाइम में, धूप इतनी तेज होती है, तो छत के ऊपर थोड़ा सा दाना वगैरह रख दिया, सीड्स वगैरह जो अनाज के होते हैं, और एक बर्तन में पानी रख दिया, इससे क्या होगा कि तो अगर आपके छत के ऊपर से गुजरेंगे रहेंगे मतलब, तो उसके ऊपर मतलब उनको दिखेगा खाने या पानी, तो आकर पी लेंगे या खा लेंगे, इससे उनकी भूख मिट जाएगी, प्यास मिट जाएगी, और ज़्यादा दूर तक उनको उन चीज़ों को ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, ये कुछ आज मैंने पॉइंट्स बताए हैं हमारे इस वीडियो के थ्रू, कि अगर हम अच्छे संस्कारों को अपनाएंगे, हम अच्छे हैबिट्स को अपनाएंगे, और हम अच्छे आदतों को अपनाएंगे, और अच्छे बातों को सीखेंगे मतलब, तो हम अपने जीवन में एक अच्छे मानव बनेंगे, अच्छे गुड ह्यूमन बीइंग बनेंगे मतलब। और आज के समाज में हमें ऐसे ही व्यक्ति बनने की आवश्यकता है, क्योंकि आज का हर व्यक्ति
अच्छा जब बने तो हर व्यक्ति अच्छे व्यक्ति और गुड ह्यूमर बींग से हर व्यक्ति कनेक्ट होना चाहता है, अच्छे फ्रेंड से करना चाहता है। दोस्तों ये थे मेरा आज का एक नया वीडियो कि हमें जीवन में अच्छा गुड ह्यूमन बींग बनने की आवश्यकता है, अच्छा मानव बनने की आवश्यकता है। मतलब तो कैसा लगा आप सभी को मेरा आज का नया वीडियो, लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पर, एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में, एक नए प्रेरणादायक इंस्पिरेशन वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको इस वीडियो के नीचे एक रेड सब्सक्राइब बटन, उसके साथ में आपको एक बेल वाला आइकन भी दिख रहा होगा, अभी जाइए उन दोनों बटन्स को प्रेस कर दीजिए, उन दोनों को दबा दीजिए ताकि आप मेरे चैनल कनेक्ट हो जाएँ। उसके बाद आप मेरे आने वाले हर नए वीडियोस को आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें, अपने लाइफ में ग्रोथ कर सकें और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सकें। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि हमें जीवन में दयावान बनना चाहिए, हमें बी काइंड, हमें दयावान बनने की आवश्यकता है जीवन के अंदर। तो हमें काइंड पर्सन बनने की आवश्यकता और हमें बनना भी चाहिए। इस टॉपिक को लेकर आज हम इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करने की बात करेंगे और इसी चीज़ को लेकर आज इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। आज हम, जैसे कि मैंने बताया, आज हम बात करेंगे हमें अपने जीवन में दयावान बनने की आवश्यकता है, दयावान बनने की जरूरत है। दया मतलब आपको भी काइंड बनना है, मतलब काइंड का मतलब दयालु की दयालुता की भावना अपने अंदर रखनी है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि मतलब जैसे आजकल के जो हमारा समाज है, हमारा जो आसपास का जो माहौल है, मतलब जहाँ सोसाइटी है कहने, मतलब उसमें तीन तरह के लोग रहते हैं, मतलब तीन प्रकार के जो क्लासेस है। एक फर्स्ट क्लास जो है वो रिच फैमिली से, मतलब जो करोड़पति हैं, मतलब हाई फाई कॉलोनियों में रहते हैं, मतलब बंगला है, गाड़ी है और कोठियाँ वगैरह है ना। तो जो आपको सारी फैसिलिटीज वगैरह है, मतलब तो आप अच्छे स्कूल में, आप क्योंकि आप अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हो, रिच फैमिली से, तो आपको अच्छी अच्छा स्कूल में पढ़ने का मौका मिलेगा, अच्छा खान पान होगा, अच्छी आपका रहन सहन होगा कहने का मतलब। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिडिल क्लास फैमिलीज, मतलब जो नॉर्मल 100 गज, 50 गज, 40 गज या 150 गज में रहते हैं, मतलब एक दो फ्लोर का घर बनवा कर, मतलब तो उनके पास भी सारी सुविधाएँ होती हैं, बट वो उनके भी एक तो इनकम होती है, लिमिटेड होती है, मतलब जितनी जरूरत होती है उतना ही वो उससे थोड़ा ज़्यादा खर्च या उनके उसी के साथ वो खर्च कर पाते हैं। और उनकी जो एजुकेशन होती है वो भी मतलब लगभग वही होती है, मतलब हाई फाई मान कर बचा सकते हैं, मतलब लेकिन उतना हाई फाई भी हम नहीं कह सकते। और थर्ड होती है नॉर्मल क्लास फैमिली, मतलब जो कि आजकल दिल्ली में हम कई जो वैसे इलाके होते हैं, मतलब साउथ दिल्ली में हम देखेंगे संगम बिहार हो गया, खानपुर हो गया, देवली हो गया या बदरपुर हो गया, मतलब कई ऐसे जो इलाके हैं जहाँ पर आज भी बहुत सारे नॉर्मल फैमिलीज, मतलब नॉर्मल फैमिलीज हम उन फैमिलीज को बोलेंगे कहने, मतलब जो कई लोग रेंट पे भी रहते हैं या जिनके 20-25 गज का मकान है, एक दो फ्लोर का बना कर रह रहे हैं, जिसके घर के में जो मुखिया है कमाने वाला, उसकी इनकम है मतलब महीने की 10 से 15 हज़ार है, साथ में बच्चे भी हैं या उनके पेरेंट्स भी हैं, सबको अच्छे से मतलब देख रेख करना है, उनकी केयर करनी है। और दुनिया भर की टेंशन वगैरह भी होती है कि बच्चों को अच्छे से स्टडी कराना है, घर की ज़रूरतें पूरी करनी है, चाहे वो बिजली का हो, पानी का हो, राशन का हो, पढ़ाई का हो, और रेंट है तो रेंट पर रहते हैं तो रेंट का भी हो। तो मैं आप सभी से इन सभी चीज़ों के इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दयावान मतलब काइंड बनने का मतलब इसका यहाँ पर क्या कनेक्शन या कैसे कैसे कनेक्ट होता है। तो कहने का मतलब जो जो व्यक्ति मतलब जैसे जब हम आज अपने घर से बाहर निकलते हैं, जब हम जॉब पर जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं या हम ऑफिस जाते हैं, तो हम देखते हैं रास्ते में मतलब कई सारे, जैसे मंदिर के बाहर हम देखते हैं मतलब कई सारे जो बैगर्स वगैरह होते हैं या कुछ लोग मदद मांगते हैं, मतलब कि उनके कुछ हेल्प कर दो या पैसे दे दो। कई सारे हमारे पास मतलब जैसे हमारे जो गाँव के रूरल जगह पर देखते हैं कि मतलब कि जैसे वृद्ध आश्रम हो गया या अनाथ आश्रम हो गया, जहाँ पे गरीब बच्चे होते हैं जिसका कोई नहीं होता, या फुटपाथ पर, लड़ पर कई सारे बंदे मांगते हुए दिखते हैं, मतलब तो ऐसे बंदे, मतलब ये तो और भी ज़्यादा हम नीचे की बात कर रहे हैं, जिसका जिसके पास कोई मतलब कुछ है ही नहीं, ना घर है, ना स्टडी है, ना अच्छा खान पान है, मतलब तो वो कैसे लोगों पर डिपेंडेबल, मतलब
कैसे लोगों पर आश्रय रहते हैं, वो आश्रय रहते हैं मतलब उन लोगों पर जिनके पास मतलब जो उनकी देख रेख कर सके, उनको थोड़ा बहुत मतलब उनको मदद कर सके। तो जैसे मैंने बताया कि नॉर्मल फैमिलीज में मतलब वो करना तो चाहता है, वो दयालु की भावना भी रखता है। कभी कई बार क्या होता है कि वो रास्ते में चलता है मतलब क्योंकि उसकी लिमिटेड इनकम है, फिर भी कभी कभी वो किसी गरीब को 5-10 रुपये दे देता है, या किसी जानवर को ब्रेड या बिस्कुट डॉगी को खिला देता है, या पक्षियों को दाना डाल देता है। मतलब वो ऐसी एक्टिविटी जो तो दयालुता वाली होती है, काइंड वाली होती है, मतलब वो ऐसे कभी कभी कर सकता है। जो मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं वो थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब कि चलो कभी किसी को मतलब खाना खिला दिया, किसी को कुछ फल फ्रूट दे दिया गरीब बंदे को, या मतलब इस तरीके से वो अपना कर सकता है। लेकिन जो रिच फैमिली से होते हैं, या मतलब जो पूर्ण रूप से अपने उनका जो मतलब बिजनेसमैन होते हैं, या मतलब जो अच्छे खासे मतलब घर से बिलोंग करते हैं, तो वो मतलब ऐसे मतलब अगर वो काइंडनेस की भावना रखते हैं, और जो रखते हैं बहुत सारे मतलब कई सारे जो रिच फैमिलीज वाले हैं मतलब काइंडनेस की भावना सभी रखते हैं, और सबको रखना भी चाहिए। लेकिन मैंने इस वीडियो को इसलिए बनाया कि अगर आप इस भावना को रखोगे मतलब, और जैसे आप रख रहे हो और तो उसको आप लगातार भावना को रखते हुए, जो ऐसे लोग होते हैं वृद्ध आश्रम में, क्योंकि उनका तो कोई नहीं है मतलब, कई सारे ब्लाइंड स्कूल्स भी होते हैं जो टोटली जो एनजीओ पर ही होते हैं, मतलब कि एनजीओ मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो जहाँ पे हम सपोर्ट करते हैं, डोनेशन देते हैं, मतलब उन्हीं पर ही डिपेंडेबल होते हैं कि जो मतलब जो अच्छे घर से होते हैं वो पैसे वगैरह देते हैं, डोनेशन दे देते हैं, जिसके कारण ही वो जो अनाथ आश्रम में होते हैं, या जो ब्लाइंड स्कूल में होते हैं, या जो वृद्ध आश्रम होते हैं, वो टोटली डोनेशन से रिलेटेड जो भी संस्थाएं होती हैं मतलब उन पर ही वो आश्रित होते हैं। तो मतलब तो वहाँ पे जो बड़े बड़े लोग होते हैं रिच फैमिली से, वो डोनेशन देते हैं। तो उसके बाद और उसके अलावा कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो जैसे पैसे के अलावा, पैसों से जैसे मतलब डोनेशन होता है, पैसों के अलावा दूसरी चीज़ों का भी, कई लोग फूड दे देते हैं, फूड दे देते हैं, कई लोग मतलब राशन का सामान ला कर दे देते हैं, कई लोग कपड़े वगैरह भी दे देते हैं। मतलब जैसे वो जैसे मैंने बताया कि जो जो अनाथ आश्रम में बच्चे होते हैं मतलब, तो उनको कपड़े दे देते हैं ले जाके, ब्लाइंड स्कूल में बच्चे होते हैं तो उनको कपड़े दे देते हैं ले जाकर, मतलब खाने पीने का सामान दे देते हैं मतलब। तो इस तरह की हमें मतलब जो दयालुता की भावना, काइंड व्यक्ति बनने की मतलब अपने जीवन में आवश्यकता है मतलब, क्योंकि अगर हम इस तरीके से अपने अपनी भावनाओं को रखेंगे, बनाए रखेंगे, तो उससे हम अच्छे कर्म ही करेंगे मतलब। किसी का मतलब कहते हैं ना कि अगर हम किसी का भला कर देंगे मतलब, किसी को कपड़े दे देंगे, किसी का कपड़े नहीं है मतलब, किसी को भूख लगी रोटी दे देना, खाना खिला देना, या मतलब इस तरीके से जो आश्रम वगैरह है मतलब जैसे बताया वृद्ध आश्रम, या मतलब जो अनाथ आश्रम हो गया, या जो ब्लाइंड स्कूल वगैरह होते हैं मतलब, जहाँ पे सिर्फ अंधे बच्चे ही पढ़ते हैं मतलब, तो वहाँ पे जाके डोनेशन दे देना, तो इससे क्या होगा कि उनको सपोर्ट मिलता रहता है, वो भी अपने लाइफ में धीरे धीरे तरक्की कर देते हैं। और जो उन बच्चों की उन लोगों की दुआएं होती हैं, किसको मिलती हैं, आप लोगों को मतलब, जो डोनेशन देते हैं या जो अच्छे काम करते हैं, दयावान की भावना को रखते हुए, काइंडनेस की भावना को रखते हुए। क्योंकि ये तो पता ही होगा आप सभी को, क्योंकि सभी आजकल के टाइम में ज्यादातर लोग विद्वान हैं और सभी पढ़े लिखे हैं मतलब, कि जब हम मरने के बाद जब ऊपर जाते हैं मतलब भगवान के पास, तो धन दौलत हमारे जीवन हमें जितना भी कमाया है मतलब, या हमारे जितने भी घर हैं, कितना भी सोना चांदी है, वो कोई भी चीज़ हमारे साथ ऊपर ले जाती है, जो हमने अपने जीवन के अंदर काइंडनेस की भावना को रखते हुए मतलब दयालुता की भावना को रखते हुए, जो हम अच्छे कर्म कर देते हैं, भूखे को खाना खिला दिया, जानवरों को कुछ खाने को दे दिया, या मतलब इस आश्रम वगैरह में जाकर उनकी मदद कर दिया कपड़ों से, पैसों से, अनाज से मतलब, तो जो भी हम अच्छे कर्म करते हैं मतलब, वो अच्छे हमारे जो पुण्य के कर्म हमारे होते हैं, अच्छे जो हमारे कर्म होते हैं, वही कर्म हमारे साथ हमारे ऊपर जाते हैं, और उन्हीं कर्मों का फल हमें मिलता है। तो चाहे कर्म अच्छा हो या बुरा हो मतलब, अगर हम बुरा कर्म भी करें, किसी को सताएंगे, किसी को तंग करें, किसी को कष्ट देंगे, और कष्ट भी जरूरी नहीं कि आप किसी को मार कर दो, या मतलब किसी को दबा कर दो, कई लोग शब्दों से भी किसी का बुरा भी बोल दोगे मतलब, तो वो भी शब्दों से भी कई सारे लोगों का हर्ट हो जाता है, दिल में चुभ जाती है वो शब्द मतलब, कई सारे वर्ड ऐसे होते हैं। तो जरूरी नहीं कि आप बुरे कर्म भी आप कई तरीके से मतलब हो सकते हैं मतलब, कि बचनों से हो सकता है, आप किसी को मार देते हो, किसी जानवर को, तो जानवर तो आपको रिप्लाई नहीं कर सकता मतलब, आपको काट नहीं सकता, या वो मतलब किसी जानवर को हिट कर दे वो वहां से भाग जाएगा, लेकिन मन के जो उसको दर्द होती है उस टाइम उसको हिट करने के बाद, तो उसके मतलब
वहां से तो बदवाइन कर लिए होते हैं कहने मतलब, उसी प्रकार आप सब कुछ जानवर को दूध पिला देते हो, बिस्कुट खिला देते हो, रस खिला देते हो, मतलब तो वो भी एक अंदर से खुशी निकलती है क्योंकि उनके देख रहे हैं। तो वो किस पर आश्रय रहते हैं, वो गली के अगर जिस गली में रहता है वो उस पर आश्रय रहते हैं, या जो गरीब बंदे होते हैं उन पर आश्रय रहते हैं जो अपने आप में पूर्ण है, सपोर्ट है, मतलब जिस पर सारी फैसिलिटीज है। मतलब तो कहने वाला इसीलिए मैं आज इस टॉपिक को लेकर इस वीडियो इस पर बनाया कि हमें दयालुता तो अपने काइंडनेस की भावनाओं को रखना चाहिए और हमें एक जीवन में काइंडनेस व्यक्ति यानी दयावान व्यक्ति बनना चाहिए ताकि हम एक अच्छे व्यक्ति बने, अच्छे कर्म करें और ऐसे लोगों की मदद करें, मतलब जो इसलिए कोई नहीं है या दूसरों पर वो हेल्प के लिए आश्रित है, डिपेंडेबल है। दोस्तों ये था मेरा एक छोटा सा प्रयास इस वीडियो के थ्रू, मतलब कि हमें जीवन में एक दयालु एक दयावान व्यक्ति बनने की जरूरत है और बनना भी चाहिए, मतलब क्योंकि एक अच्छी हैबिट होती है, एक अच्छी सोच होती है, एक अच्छी विचार होती है। मतलब तो आप सभी को कैसा लगा मेरा आज का ये नया वीडियो, लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड्स। दोस्तों एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर, मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। और आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशन वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो आप सभी को मेरे इस वीडियो के नीचे एक रेड सब्सक्राइब बटन, उसके साथ में आपको बेल वाला आइकन भी दिख रहा होगा, अब तो अभी जाइए और आप वो दोनों को प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरे इस चैनल से कनेक्ट हो जाएं और उसके बाद आप मेरे आने वाले हर नए वीडियोज़ का आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें, अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सकें और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सकें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का एक नया वीडियो नए मोटिवेशनल टॉपिक पर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हमें जीवन के अंदर विनम्र व्यक्ति विनम्र स्वभाव को अपनाने की जरूरत है, आवश्यकता है और हमें जीवन में एक विनम्र व्यक्ति बनना चाहिए। तो विनम्र मतलब आपका जो स्वभाव है एक बहुत ही सहज होना चाहिए, मतलब आपको अच्छे से विनम्रता से मतलब बात करनी चाहिए, विनम्रता से सबकी मतलब बातों को सुनना चाहिए। तो आज जो ये विनम्रता वाला जो भाव है मतलब हमें इसे हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए, मतलब तो इसी टॉपिक को लेकर आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि मतलब आजकल का जो मतलब जो क्या बोलते हैं आजकल की जो समाज मतलब भाग दौड़ वाले आजकल की जो जीवन है भाग दौड़ वाली है, हर व्यक्ति मतलब अपनी एज के हिसाब से अपनी करेंट वर्क के हिसाब से अलग अलग कामों में उसको टेंशन होता है, स्ट्रेस होता है अपने काम से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं अलग अलग एरिए से यानी एज के हिसाब से, जैसा कि हम जानते हैं मतलब कि जब कि क्या बोलते हैं जब कोई बच्चा किसी फैमिली में पैदा होता है मतलब तो क्या बोलते हैं 1 से 3 साल तक की एज होती है, मतलब जब वो किसी फैमिली में क्यों ना पैदा हुआ हो तो 1 से 3 साल तक की एज में वो बच्चा खेलना कूदना मतलब पैरों पर चलना सीखता है, खाना सीखता है और बोलना सीखता है कहने मतलब, और 3 साल तक की एज तक बोलने लगता है, मतलब धीरे धीरे उसकी आवाज़ साफ निकलने लगती है। देन जैसे वो 3 साल कंप्लीट करता है उसको 4th ही साल जब वो प्रवेश करता है तो उसे जैसे कि भारत में मतलब 2 तरह के स्कूल होते हैं, मतलब एक गवर्नमेंट एक प्राइवेट। तो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं वो 1 से 5वीं तक या फिर 6ठी 10वीं 12वीं तक होते हैं, और जो प्राइवेट स्कूल वगैरह होते हैं वो नर्सरी से स्टार्ट होते हैं, फिर KG LKG UKG 1st 2nd 3rd 4th, फिर आगे की बड़ी क्लासें होती हैं, फिर कॉलेज वगैरह तक स्टडी जाती है कहने वाला। तो जब वो छोटा बच्चा होता है उसको 4थी क्लास में प्रवेश करते हैं उसको को नर्सरी स्कूल में डाल दिया जाता है। तो जब उसको स्कूल में डाल दिया जाता है तो धीरे धीरे वो हर क्लास को हर एक साल में पास करता हुआ रहता है अपनी मेहनत से। लेकिन जो उसकी 4 जब वो 14 साल में प्रवेश करता है वो 4 साल से लेकर उसकी 13 साल तक की जो एज होती है कहा माना जाता है कि वो टाइम होता है बचपने का टाइम होता है, मतलब चाइल्डहुड का टाइम होता है। उस टाइम वो जो बच्चा होता है मतलब उसको खेलने कूदने में बच्चों के साथ जो उसके हम उम्र के होते हैं मतलब चाहे वो स्कूल में हो चाहे वो घर में हो या गली में हो या क्लास में क्यों ना हो उनके संग उसको दोस्ती करने में उनके संग खेलने कूदने में मज़ा आता है। कई बार उसको चोट भी लगती है उसको कोई इसका फर्क नहीं पड़ता, कुछ टाइम बाद वो जब चोट लगती है तो थोड़ा देर रोता है फिर से वो खेलने कूदने लगता है, कपड़े गंदे होते हैं बालों में मिट्टी लगती है मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता उसको सिर्फ खेलने कूदने में ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन जब वही बच्चा
13 साल की एज क्रॉस करता है, जब वो 14 साल में पहुँचता है 14th ईयर में, तो वो धीरे धीरे जीवन की जो मतलब जो क्या बोलते हैं जीवन की सच्चाई होती है उन चीज़ों को समझने लगता है। जैसे कि मुझे कपड़े गंदे नहीं करने चाहिए, टीचर मारेंगे, मम्मी मारेंगे, या उन कपड़े धुलने में दिक्कत होगी, कपड़े ज़्यादा गंदे हो जाने पे, मुझे नीट एंड क्लीन देखना है, बट और अब फोकस पे ज़्यादा स्टडी करना है खेल के मुकाबले में, और अच्छा मुझे जीवन में एक अच्छा व्यक्ति बनना है, मतलब क्योंकि वो देख रहा होता है कि जो उसके ग्रैंड पेरेंट्स थे, दादा या नाना जी थे, मतलब तो वो भी अपने टाइम में किसी ना किसी फील्ड में करियर बना के या किसी चीज़ को कोर्स वगैरह करके या कुछ भी बन के, मतलब उन्होंने अपना उस काम को पूरा किया जॉब करते हुए, आगे रिटायर हो गए। उसके मेरे पापा भी अभी करंटली किसी ना किसी फील्ड में अपना करियर बना के अभी करंटली जॉब कर रहे हैं, मतलब और मुझे भी आगे जाकर किसी ना किसी फील्ड में अपना करियर बनाना ही पड़ेगा, मतलब तो इस तरीके से, मतलब तो इस तरीके जो मैंने बता रहा कि जाकर वो स्कूल में होता है या कॉलेज में होता है या फिर बारे में होता है या जो बंदे जॉब भी करते हैं, है ना, तो हर व्यक्ति को मतलब जैसे अगर क्या बोलते हैं मान लो जो छोटा बच्चा है वो स्टडी कर जब तो स्टडी कर रहा होता है तो उसको होमवर्क का टेंशन, क्लास वर्क का टेंशन, खेलने का टेंशन, तो मतलब खेलने को नहीं दिया उसको तो वो दिमाग मतलब क्या बोलते हैं कई बार वो छोटा बच्चा होता है मतलब, तो उसको कदर जिद करने लगता है किसी चीज की, मतलब जमीन पर लेट जाएगा, कूदने लगेगा, लौटने लगेगा, मतलब जमीन के ऊपर, तो कहने मतलब अक्ल तो होती है उसके पास, लेकिन वही बचपने वाली बात होती है। तो कहने मतलब हमें मतलब इस तरह मतलब छोटा बच्चा होता है तो अगर हम पेरेंट्स हैं तो हमें उन बच्चों को मतलब एक तो कई बार बच्चों पेरेंट्स जो होते हैं मतलब जिद करने के कारण बच्चों के उसको मतलब डांट देते हैं या मार देते हैं, लेकिन उस मार में भी और डांट में भी प्यार छुपा हुआ होता है। तो कहने कि मतलब आप जब अपने बच्चों को छोटा बच्चा है मतलब तो उसको डांटते हो या उसको मतलब और कुछ ज़्यादा गलती कर देता है तो मारते भी इसलिए कि बाद में गलती ना करे, तो हमें उसको डांटते वक्त या उसको मारते वक्त भी अपने अंदर क्योंकि हमें पता है कि हमें उससे वो नेक्स्ट टाइम वो गलती अच्छा ना करे, है ना, तो हमें अपने अंदर एक बोलते हैं ना कि एक विनम्रता वाला एक सहज भाव को रखते हुए उनको उस बच्चे को डांटना चाहिए या उसको समझाना चाहिए, है ना, और कोशिश करना चाहिए कि उसे मारने की आवश्यकता ना पड़े। तो एक सहज भाव को रखते हुए, एक विनम्रता वाली भावना को रखते हुए उसको किसी जगह पर बिठा कर उस बच्चे को समझाना चाहिए, क्योंकि हम धीरे धीरे जब उस बच्चे को समझाएंगे अच्छी चीज़ों के बारे में, गलत चीज़ों को छोड़ने के बारे में, तो बच्चा धीरे धीरे बोलेगा अरे मम्मी मेरे को बार बार एक चीज़ की बात समझाती है, तो कुछ टाइम बाद उस पर गौर करने लगेगा और वैसी गलती कोशिश करेगा ना करने की, और धीरे धीरे वो समझदार बन जाएगा। और पहले जब वो किसी चीज़ के लिए जिद करता था तो वो ऐसी जिद नहीं करेगा, और क्यों नहीं करेगा, क्योंकि आप उसको अच्छे से विनम्रतापूर्वक सहजतापूर्वक आप उसको समझाने लगे हो, मतलब तो वो भी फिर धीरे वो आप मतलब आप उसको आगे समझाओगे वो भी धीरे धीरे आपकी जो विनम्रता वाली भाव है, सहजता वाली भाव है, वो भी उसको अपने अंदर अपनाने की कोशिश करेगा। और ये भी आप बता सकते हो कि अगर बेटा आपको कोई भी चीज़ चाहिए तो जिद करने के बजाय आप उसको अच्छे से मांग सकते हो, अच्छे से मतलब सहजतापूर्वक विनम्रतापूर्वक आप उसको अच्छे से मुझे मतलब आप उसकी डिमांड कर सकते हो, ना कि जिद वगैरह करके, मतलब क्योंकि ये एक अच्छी हैबिट होती है सहजता को अपनाना, विनम्रता के भाव को अपनाना। इस तरीके से जब क्या बोलते हैं जब बच्चे बड़े क्लास के में पहुंच जाते हैं तो उनका फिर और ज़्यादा वर्क मतलब जो स्ट्रेस का लेवल बढ़ रहा था, तो कई बार वो किसी चीज़ के लिए किताब नहीं है, ड्रेस नहीं है, या मतलब कुछ स्टडी के लिए जो सामान नहीं है वो नहीं है, मतलब ये ट्यूशन नहीं का फीस नहीं जा पा रहा है, इन चीज़ों को लेकर बच्चे जिद करने लगते हैं मेरा फीस टाइम पर दो, ये कप चाहिए, ये ड्रेस चाहिए, तो इस तरीके से बच्चे जिद करने लगते हैं। तो कुछ अभी पेरेंट अब बच्चा बड़ा हो चुका होता है तो पेरेंट काफ़ी उस टाइम उनको समझाते हैं, तो उस टाइम भी गुस्सा तो आता है ना, बच्चा बड़ा हो चुका होता है, तो उस टाइम भी हमें पेरेंट्स को यही करना चाहिए कि हमें उस टाइम भी विनम्रता की भावना को रखते हैं, सहजता की भावना को रखते हैं रखते हुए अपने जो कि क्योंकि हर घर के अलग अलग कंडीशन, अगर आप रेंट पर रहते हो और एक ही बंदा है काम कमा कर लाने वाला, मतलब घर के अंदर उसी से सारा घर का खर्चा चलता है, तो फिर आपको हर चीज़ के लिए सोचना पड़ता है, प्रायोरिटी देनी पड़ती है कि पहले पानी का बिल दे, बिजली का बिल दे, या पहले फीस का वो दे, मतलब आपको अपने करंट इनकम के हिसाब से हर चीज़ों को कैसे फिल करना फिर सोचना पड़ता है। तो कहने मतलब वहाँ भी आपके पेरेंट्स को मतलब अच्छी तरीके से समझाना चाहिए, और बच्चों को भी कोशिश करना चाहिए कि आप कोशिश करना चाहिए कि आप समझदार हो चुके हो, मतलब आपको भी दोनों को ही विनम्रता का सहजता का रखते हुए अपने आप को अच्छा बनाने की आवश्यकता पड़ती चाहिए। इस तरीके से मतलब मैं देखता हूँ जो जो एक्सपोर्ट लाइन के जो मतलब जो जैसे सिलाई जो काम होते हैं, मतलब जॉब वगैरह होते हैं, धागा वगैरह काटना या सिलाई वगैरह करना, तो वहाँ पे जो सुपरवाइजर होता है, क्योंकि सुपरवाइजर के ऊपर मैनेजर होता है, फिर बॉस होता है, सुपरवाइजर जो होता है सारे काम करवाता है, मतलब अपने जो
देख रेख करता है जो बंदे काम कर रहे होते हैं, तो उनसे वो कभी भी एक अच्छे सहजता से बात नहीं करेगा, कैसे बोलेगा, अलग अलग मतलब एक कड़वे बोल जैसे बोलते हैं, अरे काम नहीं किया, आलस कर रहा है, खड़े होकर टाइम पास कर रहा है, काम नहीं किया रहता ये वो। तो वहां पर भी मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, मतलब इस तरीके का कड़वे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि आप, क्योंकि आप भी इंसान, वो बंदा भी इंसान है जो आपको काम कर रहा है, अगर वो आपको काम करके नहीं देगा तो आपका काम आगे बढ़ेगा ही नहीं, मतलब वो आप ही के लिए काम कर रहा है कि आपकी फैक्ट्री, आपकी जो कंपनी है, आपको ऑफिस आके तरक्की करे, आप लोगों को भी, क्योंकि इंसान वही है जो व्यक्ति होता है मीठे शब्दों का, उसको मतलब उसे प्यार का उसको वो होता है, भूख होता है, अच्छे से आपको अच्छे से बिहेवियर करो, अच्छे से ट्रीट करो, अच्छे से उसके उससे बातें करो। तो मतलब आपको भी जो सुपरवाइजर वगैरह होते हैं, मतलब जो फैक्ट्री वगैरह में सिलाई धड़ी कटिंग जो करते हैं, उनको देख रहे, उनके काम करने के तरीकों को देखते हैं, उनको जैसे बातें बताते भी हैं, और मतलब जैसे वो उनको गुस्सा भी करते हैं, तो उनको भी आप लोगों को भी कहने, मतलब सहजता का भाव, विनम्रता का भाव रखना चाहिए, क्योंकि आप अच्छे से बात करोगे तो उन लोगों को भी अच्छा लगेगा, मतलब किसी को भी कड़वे शब्द सुनना और पसंद नहीं आजकल के टाइम में, मतलब बोलते हैं ना कि अगर आप आजकल के समय में अगर आप प्यार दोगे तो आपको प्यार मिलेगा, मतलब तो हर व्यक्ति प्यार का ही भूखा होता है, मतलब। तो दोस्तों ये थे मेरा आज का एक नया वीडियो कि हमें जीवन में एक विनम्र व्यक्ति बनना है हमें, और सहजता की भावना रखते हुए हमें एक जीवन में विनम्र व्यक्ति बनने की आवश्यकता है। तो कैसा लगा आप सभी को मेरा आज का नया वीडियो, लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में, एक नए नॉलेज वाले वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी को इस वीडियो के नीचे दो बटन दिख रहे होंगे, पहला आपको दिखेगा सब्सक्राइब का बटन, दूसरा दिखेगा आपको बेल आइकन का बटन दिखेगा, तब दोनों को जाइए और दोनों को आप प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरे चैनल से कनेक्ट हो सकें, उसके बाद मेरे आने वाले हर नए वीडियोस को आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें, अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सकें और अपने जीवन में अच्छे व्यक्ति बन सकें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। आज हम बात करेंगे जीवन में विद्वान बनने के बारे में, मतलब कि हमें एक क्या बोलते हैं, एक वाइस व्यक्ति बनने की, बुद्धिमान व्यक्ति बनने की मतलब जरूरत है, मतलब कहने का मतलब। तो हमें जीवन में एक विद्वान बनने की, विद्वान व्यक्ति कैसे बने उसकी हमें आवश्यकता है, क्योंकि विद्वान बनने की मतलब, तो विद्वान बनने के बाद हम कई चीज़ों को अच्छे से जान पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे, और विद्वान व्यक्ति की जो कदर होती है हर जगह पर होती है, मतलब। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं महाराज का नया वीडियो। तो आज हम बात कर रहे हैं हमें जीवन में एक विद्वान व्यक्ति बनने की आवश्यकता है। तो अब बात है विद्वान बनने की, तो विद्वान हम कैसे बने, तो इसी टॉपिक को लेकर आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि मतलब जब कोई बच्चा मतलब इस दुनिया में आता जाए, वो किसी फैमिली में क्यों ना आ रहा हो, मतलब चाहे वो नॉर्मल हो, हाई क्लास फैमिली हो या मिडिल क्लास फैमिली हो, मतलब जब वो किसी फैमिली में पैदा होता है कहने मतलब, तो पैदा होने के बाद जो उसकी 1 से 3 साल तक की जो एज होती है, वो उस एज में उसके दांत निकलते हैं, चलना वो पैरों पर या हाथों के बल चलना सीखता है, बोलना सीखता है, मतलब खाना वगैरह खाना सीखता है। और फिर उसको जब 4 साल की एज में क्रॉस करता है, तो उसे मतलब जो हमारे जैसे भारत देश में दो तरह के स्कूल होते हैं, एक होता है गवर्नमेंट, एक होता है प्राइवेट। प्राइवेट स्कूल जो स्टार्ट होते हैं वो नर्सरी से, फिर LKG, LKG, UKG, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, उसके बाद बाकी की आगे की बड़ी क्लास है। और जो गवर्नमेंट स्कूल होता है वो 1 से प्राइमरी और 6 से 10वीं या 12वीं तक होता है। तो दोस्तों फिर छोटे बच्चे को उसमें डाल दिया जाता है कहने का मतलब, जब छोटे बच्चे को डाल दिया जाता है तो वो फिर चौथी से अपना मतलब पढ़ाई ज़्यादा नहीं स्टार्ट करता है स्टडी का। तो चौथी साल मतलब 4th से जो उसकी 4 साल की एज होती है, और 13 साल तक जो एज होती है बचपनों वाली होती है कहने का मतलब। तो बचपन वाली एज में उस बच्चे को हम उम्र के बच्चों के साथ, चाहे वो उसकी गली में हो, स्कूल में हो, क्लास में हो, उनके साथ खेलने कूदने में उसको मज़ा आता है, उसको इन्जॉयमेंट उसको लगता है। फिर जहाँ खेलते वक्त चोट ही क्यों ना लग रही हो, चोट लगेगी थोड़ी देर के लिए वो रोएगा, फिर वापस अपने पुराने वाले कंडीशन यानी खेलने कूदने में आ जाएगा, चाहे कपड़े गंदे हो रहे हो, चाहे बाल गंदे क्यों ना हो रहे हो। लेकिन जब वो 14 साल की एज क्रॉस कर लेता है,
13 साल के, और 14 साल में जाता है, 14वें साल में, तब वो धीरे धीरे बाहर की चीज़ों का समझना शुरू कर देता है कि मुझे अच्छे से अपने आप को मेंटेन करना है, कपड़े गंदे नहीं करने हैं, मम्मी मारेगी क्योंकि टीचर भी मारेंगे, कपड़े गंदे होंगे मम्मी को धुलने में दिक्कत आएगी, मुझे अच्छा बनना है, अच्छे से स्टडी वगैरह करनी है। तो मतलब हमें लाइफ एक ही बार मिलती है, और धीरे धीरे उन बच्चे की सोच जो है वो आगे डेवलप होती रहती है, बनती रहती है, और आगे जाके फिर बाकी की क्लासेस पूरा करता है, कहने मतलब। तो इस तरीके से जब यहाँ पे फिर हम बात करते हैं कि यहाँ पर विद्वान बनने की जो टॉपिक है कैसे कनेक्ट होता है, तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो बच्चे होते हैं मतलब, तो बच्चे भी कुछ अलग अलग तरह के मतलब दिमाग वाले होते हैं। दिमाग का मतलब किसी का जो कैचिंग पावर होता है काफी स्ट्रांग होता है, मतलब वो कोई एक बच्चा किसी टॉपिक को पढ़ता है तो एक बार में उसको अच्छे से याद कर लेगा, कोई 2 बार में याद कर लेता है, किसी का बहुत ज्यादा दिमाग कमजोर होगा तो वो 3 बार में याद कर लेगा। तो कहने का मतलब, तो हम हमें यहाँ पर मतलब ये देखना है कि चाहे वो टॉपिक कोई सा भी हो, चाहे वो मतलब चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, मतलब हमें हम विद्वान तभी बनेंगे या मतलब हम इंटेलिजेंट तभी बनेंगे, मतलब जीवन के अंदर जब हम कुछ रूल्स को फॉलो करेंगे, मतलब और कुछ रूल्स को फॉलो करेंगे तो हम देखिए धीरे धीरे हम इंटेलिजेंट बनते जा रहे हैं। मतलब तो वो रूल्स क्या है आज इस वीडियो के थ्रू मैं आप सभी को दिखाऊंगा, मतलब बताने जाऊंगा, मतलब इस वीडियो के थ्रू बताने की कोशिश करूंगा। तो जब आप सभी को पता होगा कि जब हम कोई भी काम, कोई भी इंटेलिजेंट व्यक्ति कब कैसे बनता है, मतलब या बुद्धिमान कब बनता है, मतलब या विद्वान कब बनता है, तो जब किसी व्यक्ति का बहुत सारी नॉलेज होती है, या कोई बच्चा अपनी क्लास में फर्स्ट सेकेंड आता है, या बहुत अच्छे नंबर से पास होता है, मतलब तो या कोई IAS की तैयारी करके कोई क्रिकेटर मतलब बहुत आगे निकल जाता है, कोई आर्मी में चला जाता है, मतलब कोई बहुत बड़ा एक्टर बन जाता है, या कोई बहुत बड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाता है, या कोई बहुत बड़ा फोटोग्राफर, या मतलब कोई किस फील्ड में कैसे एक्सपर्ट बन जाता है, कैसे आगे निकल जाता है, उन सभी के पीछे 4-5 रूल्स होते हैं जो, और वो सीक्रेट होते हैं मतलब, जो कि मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। अगर आप उन रूल्स को फॉलो करोगे, उन 4-5 रूल को, तो आप भी धीरे धीरे आप देखो कि आप भी इंटेलिजेंट बनते जा रहे हो, आप भी बुद्धिमान और विद्वान व्यक्ति जीवन में बनते जा रहे हो। मतलब तो जो वो 5 रूल्स है मतलब, अब मैं उनको आपको बताने जा रहा हूँ। तो हमारा जो आपको पहला मतलब जो पहला हमारा जो रूल है या सीक्रेट, वो ये है कि आपको हार्ड वर्किंग अपने जीवन में बनना है। हार्ड वर्किंग आप बनोगे तो, क्योंकि हम जब कोई भी लाइफ में अपना मतलब लाइफ का गोल ड्रीम या जो भी हम बनना चाहते हैं जिस भी फील्ड में, उसको प्राप्त करने के लिए हमें उस वर्क के ऊपर, उस ड्रीम या गोल के ऊपर हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। और जब हार्ड वर्क करेंगे तभी हमें अपनी मेहनत दिखेगी, हमें अपनी कड़ी मेहनत करने के बाद हमें अपना रिजल्ट भी दिखेगा, तो हमें उस चीज के ऊपर हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। दूसरा जो हमारा सीक्रेट है वो ये है कि जब हम हार्ड वर्क कर रहे होते हैं तो उस चीज पर हमारा, उस काम पर, उस गोल पर, उस ड्रीम पर हमारा पूरा पूरा फोकस होना चाहिए। अगर फोकस होगा तो हम अपना जो हार्डवर्क करेंगे अच्छे से कर पाएंगे, हमारा पूरा पूरा फोकस होगा। और तीसरा जो सीक्रेट वो है हमारा एफर्ट, यानी जो हमारा कोशिश है उस चीज को करने का, मतलब हमारा पूरा पूरा 110% होना चाहिए। 100% होता है लेकिन आपको पूरा का पूरा ज्यादा कोशिश करना है अपने, आपको उस चीज को प्रूव करने का, उसमें आपको काबिल बनने की, उस चीज को प्रूव करने की, मतलब अच्छे से आपको इसका में पूरी पूरी कोशिश करनी पड़ेगी। तो चौथी चीज है मतलब वो है हमारी प्रैक्टिस। जब आप हार्डवर्क कर रहे हो, एफर्ट दे रहे हो, फोकस रख रहे हो, तो आपको उस काम की, उस चीज से रिलेटेड जो भी आपको वर्क दिए जाते हैं उन चीजों की अच्छे से प्रैक्टिस करने की आवश्यकता पड़ेगी। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप देखोगे कि धीरे धीरे आप उन काम में उस धीरे धीरे परफेक्ट होते जा रहे हो। मतलब क्योंकि बोलते हैं इंग्लिश में एक कहावत है, एक लाइन सेंटेंस है, जिसको हम बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, क्योंकि प्रैक्टिस ही व्यक्ति को किसी भी काम में परफेक्ट बनाती है। क्योंकि आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको रिजल्ट दिखने लगता है कि अब मैं 100% ओके हो चुका हूँ, मैं थोड़ा सा और प्रैक्टिस करूँगा तो मैं और अच्छा हो जाऊंगा इस काम के अंदर। तो ये हो गया हमारा चौथा, जो था वो था प्रैक्टिस, वो सीक्रेट है। और फिफ्थ एंड जो लास्ट है वो ये है, जब आप कोई भी चीज कर रहे हो अपने लाइफ में अचीव करना चाह रहे हो तो, और चारों चीजों को फॉलो कर रहे हो, तो आपको पेशेंस यानी आपको धैर्य रखने की भी आवश्यकता है। मतलब क्योंकि जब तो आप धैर्य रखोगे तो आप किसी भी चीज को एफर्ट, हार्ड वर्क, फोकस एंड प्रैक्टिस के साथ अच्छे से आप कर पाओगे। क्योंकि कुछ अगर आप पेशेंस नहीं रख रहे हो तो आप कुछ टाइम बाद एफर्ट, हार्ड वर्क, फोकस और प्रैक्टिस करने के बाद आपको थकान होगी या आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, सोचोगे कि ये चीज तो मेरे लिए बनी ही नहीं है, फिर आप वहाँ पे गिव दे दोगे आप, क्योंकि आपने पेशेंस नहीं रखा। लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि क्या होता, आप 80% ओके हो चुके हो, थोड़ा सा और मेहनत करोगे तो आगे निकल जाओगे, पेशेंस रखोगे तो पेशेंस आपको रखना ही पड़ेगा जो भी आपका ड्रीम है, आपका गोल है, आपके लाइफ का
लक्ष्य है मतलब। तो ये पांच चीजें आप किसी भी काम को करने में, किसी भी चीज की स्टडी करने में, या किसी भी चीज का अध्ययन करने में, किसी भी काम को कंप्लीट करने में, या किसी भी एक्टिविटी को पूरा करने में, आप इन पांच रूल्स को फॉलो करोगे तो देखोगे कि आपका जो रिजल्ट है, आपका जो प्रोग्रेस लेवल है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और आपको उन चीजों की नॉलेज काफी तेजी से होती जा रही है, क्योंकि आप जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस कर चुके हो, हार्डवर्क कर चुके हो, अपना फोकस दे चुके हो, अपना प्रैक्टिस अपना एफर्ट दे चुके हो और धैर्य रखे हो मतलब, तो आप उन उन पांचों चीजों को फॉलो जब करोगे तो जो भी चीज आप रीड करोगे, स्टडी करोगे, और इन चीजों के बाद किसी चीज को सीखने में नहीं, स्टडी करने में भी आप इन रूल्स को फॉलो कर सकते हो। किसी कोचिंग वगैरह में अगर किसी चीज को फॉलो मतलब सीखते हो, तो वहां पे भी इन रूल्स को फॉलो कर सकते हो। आप देखोगे कि आप उन चीज में, उन स्टडी में, उन सब्जेक्ट्स में या उन टॉपिक में धीरे धीरे आप माहिर बनते जा रहे हो, आप धीरे धीरे उसमें विद्वान और इंटेलिजेंट बनते जा रहे हो। और जो इन पांच रूल्स को फॉलो करता है, उन्हीं को हम देखते हैं कि वो आगे जाकर किसी क्लास में पढ़ रहे होते हैं या किसी भी सब्जेक्ट में होते हैं, तो उनके उन सब्जेक्ट्स में, उन क्लास में वो बंदा टॉप करता है, और जो अगर सब्जेक्ट वगैरह है तो उन सब्जेक्ट में वो गुड मार्क्स या अच्छे मार्क्स को प्राप्त करता है। वो कैसे सफल होता है इन रूल्स को फॉलो करने के बाद, और जब वो अच्छे नंबर से पास होगा, अच्छे मार्क्स आएंगे क्योंकि उसको अच्छी नॉलेज थी मतलब, क्योंकि अच्छे नंबर से उसे अच्छे प्रैक्टिस वगैरह सारे के अपने सब्जेक्ट्स की, तो वो धीरे धीरे व्यक्ति धीरे धीरे विद्वान होता रहता है। और ऐसे जब रैंकर वगैरह जो होते हैं 80-90%, वो ऐसे ही बंदे आगे रखे चार्टर्ड अकाउंटेंट, फोटोग्राफर और दूसरे बड़े बड़े फील्ड्स वगैरह में जाते हैं मतलब। और कई लोग तो अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट भी खोल लेते हैं, वो कौन होते हैं वही। और कई लोग जब ज़्यादा पढ़ लिख लेते हैं मतलब, अच्छे नंबर से पास होते हैं, तो कॉलेज के प्रोफेसर, लेक्चरर, टीचर वगैरह बन जाते हैं। और कैसे सफल होता है, जब वो एक विद्वान और इंटेलिजेंट व्यक्ति बनते हैं। और कैसे बनते हैं, उन पांच रूल्स को फॉलो करने के बाद। तो आशा करता हूँ दोस्तों, मेरा आज का ये जो नया वीडियो जो है मैंने बताया आपको कि जीवन में विद्वान कैसे बने, आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। और आज आपने उन पाँच रूल्स को फॉलो, उन पांच रूल्स के बारे में अगर आप फॉलो करोगे, तो आप भी अपने जीवन में किसी भी फील्ड में, किसी भी टॉपिक को, किसी भी सब्जेक्ट में अच्छे से पास होने के बाद, या किसी भी नॉलेज वाले चीज में आप विद्वान भी बनोगे और बुद्धिमान भी बनोगे और एक इंटेलिजेंट और अच्छे और विद्वान व्यक्ति आप बनोगे। तो कैसा लगा आप सभी मेरा आज का नया वीडियो, लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तो के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं, आप सभी को मेरे इस चैनल के नीचे दो बटन दिख रहे होंगे, एक रेड सब्सक्राइब का बटन और एक आपको बेल आइकन भी दिख रहा होगा। तो अभी जाइए और उन दोनों को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाइए, ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियोस को आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें, अपने लाइफ में ग्रोथ कर सकें और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सकें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पर, एक नए मोटिवेशन वीडियो पर। और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है, जो सोता है वह खोता है। ये आपने सुना होगा कि, वैसे तो मैं आपको इसी लाइन के बारे में बात करूंगा, जो सोता है वह खोता है और जो जागता है वह पाता है, कहने का मतलब। तो इस टॉपिक को लेकर आज हम बात करेंगे कि जो सोता है वह खोता है, जो जागता है वह पाता है। इसका मतलब ये है कि जीवन के अंदर, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि मतलब कि जब कोई मतलब बच्चा पैदा होता है, मतलब दुनिया में आता है मतलब पहली बार, है ना, तो पैदा होने के बाद क्या किसी फैमिली में क्यों ना पैदा हो रहा हो, तो पैदा होने के बाद क्या बोलते हैं, 1 से 3 साल तक की जो एज होती है मतलब, वो उस एज में जो बच्चा होता है, कहने मतलब चलना सीखता है, बोलना सीखता है, खाना पीना सीखता है, उसके दांत वगैरह निकलते हैं। लेकिन 3 साल की एज तक वो थोड़ा बहुत समझदार हो जाता है मतलब, पढ़ने लायक हो जाता है। तो उस बच्चे को, जैसे भारत के अंदर 2 तरह के स्कूल होते हैं, जैसे हमारे भारत देश के अंदर पहला होता है गवर्नमेंट स्कूल या सरकारी स्कूल, जो 1 से 5वीं तक या 6ठी से 10वीं 12वीं तक होता है। दूसरा होता है प्राइवेट स्कूल, जो कि 10 नर्सरी क्लास से स्टार्ट होता है, नर्सरी, KG, LKG, UKG, फर्स्ट, सेकेंड, उसके बाद 12वीं क्लासें होती हैं, कहने का मतलब। तो इसमें क्या होता है, फिर बच्चे को चौथी, जब वो 4 साल
प्रेस करता है चौथी साल में, तो उसको स्कूल में नर्सरी क्लास में डाल दिया जाता है, फिर वो इस तरीके से आगे क्लास को नर्सरी एलकेजी यूकेजी ऐसे करते हुए पास करता हो जाता है मतलब। तो जैसे आप सभी को पता होगा फिर आगे की पढ़ाई पूरी करता है, लेकिन कहा जाता है कि 4 से लेके 13 साल तक की उम्र होती है वो बच्चों के लिए बचपना वाली होती है, चाइल्डहुड का टाइम होता है कहने का मतलब। तो इस तरीके से मतलब जब चाइल्डहुड के टाइम में क्या बच्चे को ज़्यादातर खेलने कूदने में, हम उम्र के दोस्त के बच्चे होते चाहे वो क्लास में हो, स्कूल में हो, गली में हो या कहीं भी हो, मतलब जिसको उसके आस पास दिखते हैं उनके साथ फ्रेंड्स से करने में मजा आता है, खेलने कूदने में मजा आता है। तो चाहे कपड़े गंदे क्यों ना हो रहे हो, बाल गंदे क्यों ना हो रहे हो, उसके कपड़े उसको चोट भी लगती है तो कुछ टाइम में दर्द होता है, लेकिन फिर से वापस खेलना कूदना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से फिर धीरे धीरे मतलब वो आगे और फिर मतलब 13 साल तक जो बचपन रहता है वो रहता है ये कहने मतलब। लेकिन जब वो 13 साल क्रॉस करता है और 14th ईयर में प्रवेश करता है, तो धीरे धीरे वो चीज़ों को समझने लगता है मतलब कि मुझे अपने ड्रेस गंदी नहीं करनी है, कपड़े साफ सुथरे रखने हैं, क्योंकि मम्मी को गुस्सा भी करेगी, मारेगी भी, और तो कपड़े धुलने में दिक्कत होगी मतलब, और मुझे अपने को नीट एंड क्लीन रखना है, स्टडी पर अच्छा फोकस करना है। तो जो बच्चे समझदार होते हैं मतलब वो इस तरीके की सोच रखते हैं, लेकिन कुछ बच्चे कमजोर होते हैं या उनका दिमाग उतना डेवलप नहीं होता, या उन चीज़ों को या वो समझने में किसी चीज़ों कमजोर होते हैं या फिर उनके अंदर आलस की मतलब। तो हम बात करेंगे यहाँ पर कि जो सोता है वो खोता है, जो जागता है वो पाता है। तो कई जैसे जो स्कूल के बच्चे होते हैं चाहे वो नर्सरी से लेके चाहे वो 12th तक की क्यों ना हो मतलब, क्योंकि हैबिट एक बार अगर कोई गलत हैबिट बन जाती है तो उसको हटाने में बहुत टाइम लगता है। तो और यही हैबिट होती है कई बार कॉलेज में ही मतलब कि, और कई बार जॉब वाले बंदों में भी देखने को मिलती है मतलब। तो जैसे कई बार सुबह के टाइम जो बच्चे होते हैं सुबह उठने में मतलब सुबह उठते नहीं है टाइम के मतलब, टाइम हो जाता है 8 बजे स्कूल में पहुंचना होता है, अब उठते नहीं है, फिर मम्मी उसे पानी डालती है। कई बार अगर आपसे भी कोई जाता होगा तो आपके साथ भी बच्चों ने एक्सीडेंट हुआ होगा कि मम्मी कई बार मग्गे से लेकर पानी डाल देती है मतलब, एक बच्चा उठता है और समय पर तैयार होकर स्कूल चला जाए। और फिर तो कहना है मतलब जो बच्चे अपने अंदर आलस की भावना रखते हैं मतलब, और इस तरह के हैबिट रखते हैं सुबह जल्दी ना उठना मतलब, तो सुबह का जो टाइम होता है एक प्रकार का मतलब बहुत ही फ्रेश टाइम होता है मतलब, और इस तरह के हैबिट रखना कि लेट स्कूल के लिए जाना या लेट उठना, टाइम पर तैयार होकर ऑफिस स्कूल नहीं पहुंचना, फिर टीचर की मार खाना, इस तरह मतलब ये जो सारे गलत हैबिट से कैसे क्रिएट हुई, ये हुई आपके टाइम पर ना उठने के कारण, जिसको हमें बोल रहे थे कि जो सोता है वो खोता है, क्योंकि आप सो रहे हो, आप सोने को ज्यादा इंपॉर्टेंस ही दे रहे हो स्लीपिंग को मतलब, क्योंकि सोना हर किसी को पसंद है, लेकिन सोया हमें उतना ही सोना चाहिए जितना कि हमें हमारे लिए अच्छा हो, हमारे डेली रूटीन के लिए अच्छा हो। जैसे कि कहा जाता है कि एक व्यक्ति को दिन भर में 7 से 8 घंटे सोना चाहिए मतलब, तो खासतौर पर मतलब बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को स्टडी भी करना होता है तो, और सुबह उठकर हमें पढ़ाई भी करनी होती है। तो जो बंदे आलस वाली भावना को रखते हैं कि और सुबह लेट सुबह उठते हैं, तो लेट सुबह उठेंगे तो लेट स्कूल पहुंचेंगे, लेट स्कूल पहुंचेंगे तो टीचर को मार खाएंगे, डांट सुनेंगे, उसके अलावा फिर सही से उनका फोकस नहीं होगा मतलब। तो इस तरीके से मतलब तो और फिर इस तरीके से कई सारी चीज़ों को वो मिस कर देते हैं मतलब। जैसे मान लो ये तो चलो हो गया बच्चों की बात, हो गई छोटे बच्चों की बात, तो छोटे बच्चों को यही करना चाहिए कि टाइम पर सुबह उठना चाहिए, टाइम पर तैयार होकर स्कूल जाना चाहिए, अच्छे से होमवर्क करना चाहिए, टाइम पर सब चीज़ों को पूरा करना चाहिए मतलब, लेट नहीं करना चाहिए। जो जाग जाएगा इन चीज़ों को हैबिट्स को अपना देगा, जो समय पर उठ के अपने काम को पूरा करेगा, वही आगे जाकर जीवन में कुछ बन सकता है और वही नई चीज़ों को पा सकता है मतलब, और लाइफ में कुछ कर सकता है। इस तरीके से कई बंदे जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं या कहीं पर कुछ उनको इवेंट्स वगैरह करने का मौका मिलता है कि आ जाओ आप इसमें पास हामिल हो जाओ मतलब। जैसे बोलते हैं लाइफ में कई चीज़ों को सीखना पड़ता है, तो वहाँ पर आपको ऐसा ट्रेनिंग के तौर पर ही बुलाते हैं, तो वहाँ पर भी अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठे, लेट उठे या वहाँ पर लेट पहुँचे, तो आप ऐसे लोगों से कोई भी जुड़ना नहीं चाहता या मतलब फ्रेंडशिप नहीं करना चाहता है, कॉन्टेक्ट नहीं रखना चाहता, जो अपने काम के प्रति, अपने ड्रीम के प्रति या अपने जो लाइफ के गोल के प्रति ढीले हो मतलब ढीले होते हैं या गंभीर नहीं होते, सीरियस नहीं होते हैं। तो हमें अपने अंदर से जो लेटनेस की भावना है, ढीलेपन की मतलब, उसको निकाल देनी है। और जैसा मैंने बताया कि हमें अपने आप को ऑलवेज एक्टिव रखना है मतलब, और हमें क्या बोलते हैं जो एक मैंने जो एग्जांपल बताया कि जो सोता है वो खोता है, हमें अपने अंदर सोने की भावना नहीं रखनी है, सोने का मतलब ये नहीं कि स्लीपिंग, स्लीपिंग तो चलो मैंने स्टूडेंट्स के तौर पर बता ही दिया, स्लीपिंग का मतलब आप जो भी काम कर रहे हो उसको डीले से मत कीजिए,
अरे हो जाएगा, मतलब कई लोग होते हैं कि काम को तो पूरा करना होता है पर दिमाग में ये रखते हैं कि अरे हो जाएगा ना, अरे कर लेंगे ना, अरे करवा देंगे ना, या इस दिन हम कर लेंगे उस दिन हम कर लेंगे, मतलब तो इस तरीके की जो दिमाग में सोच होती है या मानसिकता होती है ये होती है काम को टालने वाली या काम को आगे फॉरवर्ड कर देने वाले कहने का मतलब। और जब आप काम को समय पर नहीं करोगे टाइम पर नहीं करोगे तो क्या होगा, वही टाइम फिर काफी टाइम पर बहुत ज्यादा डिले हो चुका होता है, और डिले होने के कारण आप उसमें अगर वापसी भी करना चाहो मतलब उस तो काम को अच्छे से कंप्लीट करने की, तो आप उस वापसी नहीं कर सकते हो, आप उसको अच्छे से कंप्लीट नहीं कर सकते हो, क्योंकि वही फिर कहावत आ जाती है कि जो सोता है, आप सोते सोते ही मतलब दिमाग में एक कह रहे हो जाएगा, मतलब टाल देना कि यार कर लेंगे कुछ नहीं होता, हो जाता है सबके साथ मतलब इस तरीके से नहीं मतलब। तो आप अगर ऐसे सोच कर रखोगे मतलब तो ऐसा फिर आप कुछ भी अपने लाइफ में नहीं कर सकते मतलब, क्योंकि हर जगह वो बैड हैबिट्स आ जाएंगी, और बैड हैबिट्स जो होती हैं अच्छी नहीं होती हैं लाइफ के लिए, क्योंकि अभी आपके यंग हो अच्छे हो और आपकी जो लाइफ है वो जीवन में कुछ बनने की है कुछ करने की है, और आप अच्छे से बन लोगे कुछ कर लोगे तभी आप जाकर अपनी फैमिली को अच्छे से सपोर्ट कर सकते हो, अपनी फैमिली की नीड्स को पूरी कर सकते हो। तो आपने देखा ही होगा आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी किसी टाइम में किसी ना किसी फील्ड में अपना करियर बना के उन्होंने जॉब किया, रिटायर हो गए। आपके फादर भी कहीं ना कहीं पर जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, और उन्होंने भी किसी ना किसी को पहले सीखा ही होगा कहने का मतलब। और आपको भी आगे जाकर आपके कंधों पर जिम्मेदारियां आएंगी, पढ़ लिख लोगे कॉलेज कर लोगे, आपको भी किसी ना किसी फील्ड में अपना करियर बना के आगे रखने, जब आपकी शादी वगैरह हो जाएगी तो आपके ऊपर भी काफ़ी सारी जिम्मेदारियां वगैरह आ जाएगी, तो आपको भी अपने घर को सपोर्ट करना होगा, घर के सारे नीड्स को पूरी करनी होगी, और अपने पेरेंट्स की बोलते हैं ना कि बुढ़ापे की लाठी का सहारा बनना पड़ेगा, जब वो अभी आप यंग हो बच्चे हो स्कूल में जा रहे हो तो अभी, और आपके पेरेंट्स यंग है तो आपको अच्छे से पढ़ा लिखा रहे हैं, आपको काबिल बना रहे हैं, अपनी जरूरतों को इच्छाओं को मार दे रहे हैं, आपको किसी काबिल बनने में लग पड़े, आगे रखे जब वो बूढ़े हो जाए तो आपको उनको सहारा देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब जो आज हम इस वीडियो में बात कर रहे थे कि जो जो सोता है वो खोता है, जो जागता है वो पाता है, तो आपको सोने वाले कैटेगरी में नहीं ले जाना है, आपको एक्टिव वाले अपने आपको कैटेगरी में ले जाना है, एक्टिव वाले, और कोई भी काम आपको मिले और एक्टिवली उस काम को अच्छे से कर लो, पूरे तरीके से कर लो, और आप सही तरीके से काम को कर लो, तो आपको अपने आपको जो सोता है वो खोते वाले जो लाइन, इसमें आपको अपने आप को नहीं ढालना है, आपको जो जागता है वही पाता है, जो मतलब अपने आप को एक्टिव रखता है, अपने आप को हार्ड वर्क रखता है, अपने आप को काम के प्रति अपने पूरी पूरी लगन को बनाए रखता है, मतलब वही अपने जीवन में कुछ कर पाता है, अपने लाइफ में अपने जो भी उसका ड्रीम होता है सक्सेस को पा पाता है, प्राप्त कर पाता है। तो दोस्तों ये थे मेरा आज का एक नया वीडियो, कैसा लगा आप सभी को लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, रखता हूँ। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर, मैं हूं नितेश पांडे, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में, एक नए टॉपिक पर आज हम बात करेंगे, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको इस वीडियो के नीचे दो बटन दिख रहे होंगे, एक रेड सब्सक्राइब बटन है पहला, और दूसरा आपको उसके साइड में एक बेल वाला आइकन भी दिख रहा होगा, अभी जाइए और दोनों बटनों को प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाएं, और फिर मेरे आने वाले हर नए वीडियोज़ को आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें, अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सकें और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सके। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का यह नया वीडियो। आज हम बात करेंगे ईर्ष्या का त्याग करो, यानी जिसको हम जलन भी बोलते हैं, हमें ईर्ष्या की जो भावना होती है उसको नहीं अपनाना चाहिए, इसी टॉपिक को लेकर आज हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। दोस्तों आज हम जैसे हमने बताया कि आज हम बात करेंगे ईर्ष्या के बारे में, हमें ईर्ष्या जीवन में नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या का त्याग करना चाहिए। ईर्ष्या का मतलब होता है जलन, जिलस, उसको अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो जिलस बोलेंगे, और जलन भी बोलते हैं कहने का मतलब, किसी से जलना, किसी से ईर्ष्या करना या किसी से जिलस करना। तो बेसिकली कोई भी व्यक्ति मतलब, क्योंकि ये एक अच्छी हैबिट नहीं होती, अच्छे मतलब संस्कार नहीं होते या अच्छी सोच नहीं होती, किसी से हम जलन करें, किसी से ईर्ष्या करें या किसी से हम मतलब जिलस हों, क्योंकि ईर्ष्या मतलब कोई भी व्यक्ति ईर्ष्या मतलब जलन किसी से जलता तभी मतलब कि मान लो पांच छह फ्रेंड्स का ग्रुप हो तो
जैसे कि आप सभी को पता होगा कि स्कूल वगैरह में अगर कोई 5-6 फ्रेंड्स का ग्रुप है साथ में पढ़ रहे होते हैं, और उसमें से एक फ्रेंड मतलब क्लास में फर्स्ट आता है मतलब, और बाकी जो फ्रेंड्स हैं पढ़ने में एवरेज हैं या कमजोर हैं क्या नहीं मतलब, है ना। तो उस समय जब रिजल्ट आता है मतलब, जैसा कि रिजल्ट आने के बाद क्या होता है कि जैसे जब दोस्तों का ग्रुप होता है उसके अंदर, तो जैसे कुछ फ्रेंड्स मतलब होते तो फ्रेंड, लेकिन कुछ फ्रेंड्स अंदर ही अंदर मान लो जैसे ईर्ष्या या जलन होने लगती है उनको, क्या रे हम 5-6 फ्रेंड्स हैं, हम तो पढ़ने में कमजोर है या हम उसे पढ़ने में चले नहीं, और इस बंदे के जो हमारा ये फ्रेंड है उसको मतलब क्या बोलते हैं उसके, क्या बोलते हैं हाँ, उसके लिए वो फर्स्ट वो अच्छे नंबर से पास हो गए, उसके इतने परसेंट नंबर आ गए, तो वहाँ पे फ्रेंड्स होते हैं मतलब। तो कई फ्रेंड ऐसे होते हैं मतलब अंदर अंदर, जैसे मेरे फ्रेंड्स भी कॉलेज के टाइम या जब मैं स्कूल में था तो मतलब मेरे 12th क्लियर किया था मतलब, तो इस टाइम मेरे 76% आए थे मतलब। तो जैसे मेरे कई सारे फ्रेंड्स थे मतलब जिनके 40 या 45% 12th में आए थे मतलब, क्योंकि फिर इतने परसेंट से पास होने पर सिर्फ आप एक फॉर्मेलिटी के लिए पास हो जाते हो मतलब, लेकिन कोई आपको मतलब कोई आपसे वो नहीं होता मतलब खुश नहीं होता कि, और आपकी कोई तारीफ भी नहीं करता, जो क्लास में 70 80 90 या जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है उन्हीं के लोग ज़्यादा उनसे मतलब उनको बता रहे तो फर्स्ट आ गया इतने परसेंट ले आ गया। तो कई मेरे फ्रेंड उस टाइम थे मतलब जो मेरे से उस टाइम जुलस करते थे मतलब, क्योंकि जो मैं अपनी बात करूँ तो मेरे अलावा जो मेरे बाकी के जो मैं दूसरे जो क्लास के फ्रेंड थे मतलब 70 कोई क्रॉस ही नहीं किया, तो सेकंड पोजीशन अलग था उसके 62 थे और थर्ड वाले के 60 थे मतलब मैं ही था जो 70 अबव क्रॉस किया था मतलब। तो मैंने जब 70 के अबव क्रॉस किया तो मतलब मेरा अच्छे से मतलब दिल्ली के ही मतलब, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली के PGDAV कॉलेज मॉर्निंग सिटी में मेरा एडमिशन हो गया, और मैं फिर वहीं से अपना अच्छे नंबर से पास हुआ मेहनत करके, और 2015 मैंने अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर ली। तो कहने का मतलब जो मैंने अच्छे नंबर से पास हुआ, तो मेरे कई सारे फ्रेंड थे मतलब जो अंदर से जिलस भी होते थे या ईर्ष्या भी करते थे मुझसे, कह रहे नितेश तो अच्छे नंबर से पास हो गया, या हम और ये बहुत मतलब अब तो कॉलेज रेगुलर भी पढ़ रहा है, क्योंकि सभी लोग ज़्यादातर लोग जानते हैं कि रेगुलर कॉलेज पढ़ना सभी के मतलब लक में नहीं होता है, किस्मत में नहीं होता, बहुत इसलिए नंबर लाने के बाद ही आपको मौका मिलता है मतलब, एक ही नंबर से मतलब, और जो कट लिस्ट निकलती है मतलब DU की दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन की जून के टाइम, तो एडमिशन नहीं हो पाता था, लेकिन मेरा हो गया, मेहनत किया और हार्डवर्क किया और मैंने रेगुलर कॉलेज लाइफ को जिया कहने मतलब लाइफ के अंदर। तो बहुत सारे कहने मतलब ईर्ष्या मेरे लोग मेरे से मेरे फ्रेंड्स मेरे से जीतस होते थे। उसके बाद ये तो चलो हो गया मतलब कि पढ़ाई वाली बात हो गई कि फ्रेंड्स वगैरह जिलस होते हैं, कई कई बार ये होता है कि 4-5 फ्रेंड्स का ग्रुप है और कोई बंदा उसमें मतलब जो 4-5 फ्रेंड में एक लड़का है जो काफी दिखने में अच्छा है, गुड लुकिंग है मतलब, और बाकी जो है नॉर्मल है या सिंपल है मतलब उतना अट्रैक्टिव नहीं है, गुड लुकिंग नहीं है, तो वो जो बच्चे बंदे होते हैं वो भी अपने फ्रेंड से जलने लगते हैं, ईर्ष्या करने लगते हैं कि यार ये दिखने में अच्छा है, तो इसकी मतलब जो फ्रेंड भी अच्छे बनेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब, गर्लफ्रेंड भी कई बार होता है कि जल्दी से बन जाएंगे, कई लोग सोचते हैं, तो उससे आपस में मतलब दोस्त होते हैं लेकिन मन ही मन के अंदर जिलस की भावना, ईर्ष्या की भावना या जलन की भावना रख लेते हैं, जो कि एक अच्छी नहीं होती, क्योंकि भगवान ने सबको एक ही समान बनाया, सबको दो आंख एक नाक दो कान हाथ पांव मतलब सबको अलग रूप, हाइट वाइट में फर्क है बट सबको बुद्धि एक ही समान दिया है, रिच पुअर और नॉर्मल फैमिली मिडिल क्लास में अलग के हिसाब से है, लेकिन भगवान ने सबको मतलब अपने आप को प्रूव करने का जीवन के अंदर और अपने ड्रीम को अचीव करने का, और सबको एक दिन में 24 घंटे दिया है। तो कहने के मतलब अगर आप गुड लुकिंग भी हो मतलब या आपके फ्रेंड गुड लुकिंग है तो आप वो आपके फ्रेंड है मतलब, उसके बाद की बात है कि आपको बच्चे नहीं दिखते हैं, तो वहाँ पे अपने फ्रेंड के साथ या कोई जान पहचान का मतलब, तो कई लोग उससे जिलस होने लगते हैं कि अगर उसमें भी हो गया तो मतलब जिलस की जो भावना होती है वो बिल्कुल ही ठीक नहीं होती है, और एक प्रकार की मतलब जैसे बोलते हैं कि एक प्रकार की अच्छी भावना नहीं होती, और हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं करनी चाहिए। कई बार ये भी देखा जाता है कि मान लो आस पड़ोस में जैसे जब नेबर वगैरह रहते हो, तो मतलब एक नेबर है जिसका मतलब 1 फ्लोर का घर बना हुआ, और उसका जो मतलब घर में मतलब जो मुखिया या हेड है साइकिल से अपने जॉब पर आता जाता है, और उसी के बाद में दूसरा वाला घर उसके बच्चे मेहनत करके 3 फ्लोर खड़ा कर लिए, बाइक ले ली कहने मतलब, तो मतलब पड़ोसियों के बीच में भी आपस में कई बार हमने मतलब लोगों के अंदर जिले से भावना हो जाती है कि अरे इसके बच्चे तो तरक्की कर गए और आगे बढ़ गए जीवन के अंदर, और अब देखो घर बनवा लिया या बाइक ले लिया गाड़ी ले ली मतलब। तो कहने वहाँ भी
जीनस की भावना आ जाती है, तरक्की की भावना। कई बार फैमिलीज में भी देखा जाता है कि जब तीन चार फैमिलीज होती हैं मतलब, तो कोई एक फैमिली तरक्की कर रही होती है, तो कई फैमिलीज में ऐसे दूसरी फैमिलीज होती हैं जो उनको अच्छा नहीं लगता कि अरे हम तो आगे बढ़ नहीं पाए, और हमारे इस फैमिली जो हमारी ये हमारे रिश्ते में ये लगते हैं या वो लगते हैं जो भी है मतलब, उनके बच्चे देखो कितने तरक्की कर रहे हैं अपने लाइफ के अंदर। बट ये नहीं पता होता कि जो मतलब कोई तरक्की कर रहा है या लाइफ में आगे बढ़ रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, उसके पीछे मतलब उस बंदे की या उसके घर के मुखिया की या उसके बच्चों की मतलब हार्डवर्क है। मतलब जो क्योंकि आप लाइफ में तरक्की मतलब तभी कर सकते हो जब आप किसी चीज को पाने के लिए आप उसको जी जान से मतलब उसके ऊपर हार्डवर्क करोगे, फोकस करोगे, पेशेंस रखोगे, धैर्य रखोगे और अपना पूरा एफर्ट दोगे मतलब, और अच्छे से उन चीज़ों की प्रैक्टिस करोगे, और जो भी आप अपने फील्ड में मतलब जिस भी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो उसके ऊपर अपना पूरा का पूरा फोकस रखते हुए उस पर आप मतलब उस पर अपना मतलब अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करोगे, उस काम में बेटर बनने की कोशिश करोगे, तभी आप लाइफ में सक्सेस उस काम के अंदर पा सकते हो। तो कहने मतलब चाहे कोई कैसा भी हो मतलब, चाहे गुड लुकिंग है, चाहे पढ़ने में इंटेलिजेंट है, या आपकी फैमिली के कोई दूसरा फैमिली अच्छे से अपने लाइफ में ग्रोथ कर रहा है मतलब, या आपके आस पड़ोस में भी कोई आपका जो नेबर है तरक्की क्यों ना कर रहा मतलब, या ए टू जेड कहाँ भी कोई भी व्यक्ति हमारे, तो खुश होना चाहिए कि चलो हम आगे नहीं बढ़ पाए तो हमारे फैमिली ये बंदे आगे बढ़ रहे हैं, हमारे पड़ोसी ये बंदे आगे बढ़ रहे हैं, या हमारे फ्रेंड चलो कोई ऐसा बंदा तो है जो पढ़ने में एक्सीलेंट है, जो हम गर्व से कह सकते हैं कि हाँ हमारे क्लास में भी कोई है जिस बंदे ने रेगुलर पढ़ा है, या जो 70-80% आने वाला है मतलब गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के कॉलेज में गया, क्योंकि कॉलेज में हर व्यक्ति एक समान, हर स्टूडेंट एक समान होता है, क्योंकि वहाँ तो प्राइवेट वाले की वही वैल्यू होती है, गवर्नमेंट वाले की भी वही वैल्यू होती है, क्योंकि मैंने गवर्नमेंट स्कूल से अपने 12वीं की पढ़ाई पूरी की थी मतलब, और कॉलेज मैंने किया। तो कहने मतलब, और फिर चाहे आप गुड लुकिंग क्यों ना हो मतलब, आपको ईर्ष्या या जलन या जिलस की भावना कभी भी अपने अंदर आने नहीं देनी है, क्योंकि आप अगर आप इन चीज़ों को बीच रोके तो उसका अगर आपके फ्रेंड्स फ्रेंड्स रिलेशन में पड़ेगा, उसका उसका आपके जो नेबर में पड़ोसी होते हैं उसके रिलेशन में पड़ेगा कि हमारे पड़ोसी हैं, तो उसका असर आपको अपने घर फैमिली के रिलेशन होते उस पर पड़ेगा। कहने मतलब, तो कहने मतलब जो ईर्ष्या की भावना एक प्रकार की बुरी भावना अच्छी भावना है, और ईर्ष्या का जो हमें मतलब इस चीज को अपने जीवन के अंदर, क्योंकि जीवन एक अनमोल है मतलब, और जीवन जो हमें मिला हुआ अच्छे कर्म करने के मिला हुआ, अच्छी सोच, अच्छे विचार, अच्छे व्यक्ति और अच्छा गुड जीवन भी बनने के लिए मिला हुआ है। कहने मतलब, तो हमें ये जो हमें जीवन मिला हुआ इसको हमें अच्छे से साकार करना है, अच्छे कर्मों को करते हुए, अच्छी सोच को रखते हुए, और अच्छा इंसान बनने के बाद। अच्छा इंसान कैसे बनेंगे? अच्छी सोच को रखते हुए, अच्छे कर्मों को करते हुए। तो आज की बात हमें यही दिमाग में रखना है कि अगर कभी भी हमारे प्रति हमारे दिमाग में कुछ इस प्रकार के थॉट्स या जलन और जिलस वाली, चाहे वो हमारे फ्रेंड और रिलेशन हो या फैमिली हो या नेबर हो, अगर आती है तो हमें उस चीज़ को आने नहीं देना है, अपने आप को ऑलवेज पॉजिटिव थिंकिंग रखना है कि चलो कोई तो है हमारे गली में, पड़ोस में, फैमिली में, दोस्त में, जो अपने जीवन में तरक्की कर रहा है, हमें उसे प्रेरणा लेनी चाहिए और हमें भी उसके जैसा लाइफ में बनने की कोशिश करनी चाहिए, चलो वो हार्डवर्क कर रहा है हमें भी करना चाहिए। तो दोस्तों ये थे मेरा आज का एक नया वीडियो कि हमें अपने जीवन कभी भी ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। कैसा लगा आपसे भी मेरा आज का ये नया वीडियो, लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में, नए इंस्पिरेशनल वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो आप सभी को मेरे इस वीडियो के नीचे आपको एक रेड सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसके साथ में आपको एक बेल वाला आइकन भी दिख रहा होगा, अभी जाइए और दोनों को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे इस चैनल से आप कनेक्ट हो सकें, मेरे आने वाले हर नए वीडियोस आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें, अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सकें और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सकें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये नया वीडियो। दोस्तों आज हम बात करेंगे ऑलवेज गिव हैंडीकैप सीट इनटू द मिनी बसेस, नॉर्मल बसेस, नॉर्मल ट्रांसपोर्ट सीएनजी बसेस और इन द मेट्रो ऑल्सो। तो हम बात करेंगे कि जो जैसे मतलब जो हैंडीकैप सीट होती है, ज़्यादातर जैसे सीट वगैरह में तीन तरह के जो गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं मतलब, जैसे कि पहली हो गई जो सीएनजी की ट्रांसपोर्ट बसें होती हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए चलती हैं मतलब,
एक स्थान से दूसरे स्थान तक। जैसे दिल्ली में मतलब जो ट्रांसपोर्ट की, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ तो दिल्ली में जैसे DTC की बसें चलती है, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, दिल्ली परिवहन निगम की बसें होती हैं। मतलब तो उन बसों के अंदर जब हम चढ़ते हैं, मतलब तो मोस्टली तो जनरल सीटें होती है, लेकिन बहुत सारे उसके जनरल सीटों के बाद ज़्यादातर फिर सीट होती हैं लेडीज के लिए बनी हुई होती हैं। उसके बाद कुछ सीटें ऐसी होती हैं जो, या तो मतलब कुछ सीटें होती हैं जिसमें से एक सीट होती है हैंडीकैप पर्सन के लिए, फिर होती है सीनियर सिटीजन के लिए, और उसके अलावा होती है महिलाओं की सीट होती है मतलब लेडीज सीट के लिए। तो कहने मतलब जब बात हैंडीकैप सीट की आती है तो हम उसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि जो हैंडीकैप सीट होती है, एक तो बसों के अंदर हो गई, दूसरी हो गई मैं जो मिनी बसेस होती है ज़्यादातर, जो तो जो ट्रांसपोर्ट की बड़ी बसें होती हैं मतलब DTC वाली खासतौर पर, तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जाती हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक, और इनका जो फेयर होता है, किराया भी होता है, वो भी नॉर्मल ही होता है, 5-10-15 होता है। जो नॉन एसी होती है, और जो एसी वाली होती है उसमें होता है 10-15-20-25, इस तरीके से उसका फेयर होता है। उसके अलावा ये जो होती है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए मतलब आती रहती हैं, और लोग जो लोग जॉब करते हैं और दूर दूर जगहों पर जाते हैं, मतलब वो इन बसों का उपयोग करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए और अपने जॉब करने के लिए, ऑफिस वगैरह में जाने के लिए। उसके अलावा फिर होती है मिनी बसें, जो खासतौर पर हम देखते हैं जो ज़्यादातर मेट्रो के जो स्टेशन वगैरह होते हैं वहाँ से वो बंदों को उठाते हैं और फिर वो बीच रास्ते में दूसरे मेट्रो तक जाते हैं। जैसे दिल्ली में पहले लोग कोरोना से पहले ग्रे कलर की मेट्रो वाली बसें चलती थी, मतलब जैसे एग्जाम्पल तौर पर बदरपुर मेट्रो स्टेशन से लेकर और क्या बोलते हैं साकेत मेट्रो तक वो चलती थी। तो ये मेट्रो टू मेट्रो स्टेशन तक शॉर्ट डिस्टेंस के लिए चलती है मतलब, और इनका जो फेयर होता है इनका भी फेयर 5-10-15 ही होता है कहने मतलब। तो इनके अंदर भी कहने मतलब ज़्यादातर जो बस इन मिनी बसों में भी ज़्यादातर हैंडीकैप सीट पहले से आरक्षित होती हैं, पहले से ही इनका फिक्स कर दिया जाता है। और तीसरी होती है मेट्रो, जो आजकल जैसे भारत के कई सारे सिटी में मतलब मेट्रो की जो सर्विस है वो अवेलेबल है कई, और दिल्ली में भी मेट्रो चलती है मतलब। तो जो जो मेट्रो वाली जो मतलब मेट्रो गाड़ी आती है उसमें बहुत सारे अलग अलग डब्बे लगे रहते हैं, 6-7 डब्बे होते हैं कहने वाले। तो जब उसके अंदर हम एंट्री करते हैं मतलब ट्रेवल करने के लिए, और हम सीट पर बैठते हैं तो हम देखते हैं सीट के ऊपर भी आपको एक आइकन लगा होता है, जैसे हैंडीकैप पर्सन का कवर, प्रेग्नेंट लेडीज का भी लगा होता है और महिलाओं का भी लगा होता है और सीनियर सिटीजन का भी लगा होता है मतलब। तो मैं अभी हम बात कर रहे हैं हैंडीकैप सीट का मतलब। तो जो तीसरा था मेट्रो, जो गाड़ियाँ होती है मेट्रो जो चलती है उसमें भी हैंडीकैप सीट पहले से ही रिजर्व रखा रहता है, ताकि कोई बंदा जो हैंडीकैप और फिजिकली चैलेंज हो मतलब उसको उस सीट पर अच्छे से बैठकर वो सफ़र कर सके। तो आज हम इस वीडियो के अंदर यही जानेंगे मतलब कि जब जैसे आमतौर पर हम भी सफ़र करते ही होंगे मतलब, चाहे जैसे जब मैं स्कूल में था और उसके बाद कॉलेज में भी था, तो जब मैं स्कूल वगैरह जाता था मतलब फिर कॉलेज वगैरह जाता तो हम बस में सफ़र करते थे मतलब, तो दिल्ली में बसें चलती हैं तो हमारा जो तो पास वगैरह बना हुआ था मतलब, तो हमारा ज़्यादा मतलब कुछ ही दूरी पर था, ज़्यादा दूर हम हमारा स्कूल नहीं था कहने वाला, तो हम तो अपना मतलब घर से मतलब बस पकड़ के और जो हमारा स्कूल का स्टैंड आता था हम वहाँ पर उतर जाते थे। और जैसे मेरे कॉलेज का, जैसे मैं दिल्ली के PGDB कॉलेज से पास आउट हूँ 2015 में, तो मैं वहाँ पर कॉलेज में जाता था तब भी मेरा पास बना हुआ था मतलब। तो हम फिर वो थोड़ा लॉन्ग हो गया डिस्टेंस, तो हम वहाँ पर जाके कॉलेज हम बस पकड़ के कॉलेज जैसे मैं बस पकड़ के कॉलेज जाया करता था मतलब, मेरा पास बना हुआ था। तो जब मैं सफ़र किया करता था तो मैं देखता था मतलब कि मतलब जो बस होती थी मतलब उसके अंदर कई प्रकार के, 3-4 प्रकार के सीटें होती थी। एक तो लेडीज सीट हो गया, उसके अलावा जनरल सीटें भी होती हैं जिसमें कोई भी बंदा बैठ सकता है, और फिर उसके अलावा एक सीट सीनियर सिटीजन के लिए, एक सीट हैंडीकैप बंदे के लिए, उसके अलावा महिलाओं की सीटें होती थी, उसके अलावा बाकी जनरल सीटें होती थी। तो कहने का मतलब तुम्हें कई बार देखता क्या था कि जैसे जब सफ़र करते वक्त कि जब हम सफ़र कर रहे करता था, तो जैसे जब आप बस में चढ़ते हो तो एक्चुअली होता क्या है कि बहुत सारी पब्लिक चढ़ती है मतलब, तो जब आप चढ़ते हो बस के अंदर तो अगर आपको हैंडीकैप सीट खाली मिलती है कहने का मतलब है ना, तो वैसे तो अगर कोई भी बस में हैंडीकैप बंदा नहीं चढ़ा हो या नहीं बैठा तो आप बैठ सकते हो मतलब, क्योंकि खाली मतलब रखने से चाहे कोई बंदा बैठ कर इसमें ट्रेवल कर ले सफ़र कर ले, लेकिन अगर आप बैठे हुए तो हो सकता है कि आप उस पर बैठ गए हो मतलब और
जब आप सफर बस फिर जहाँ से आपने उस बर्थ में बैठा और जब बस चलना स्टार्ट किए, तो हो सकता है कि आने वाले 3 या 4 स्टैंड बाद कोई ना कोई हैंडीकेप बंदा या फिजिकली चैलेंज बंदा, मतलब उस विकलांग व्यक्ति उस बस में चढ़े, तो जब आपको सब कुछ दिख भी रहा होता है, मतलब कि कोई बंदा चढ़ा है, मतलब तो मतलब उस टाइम क्योंकि हमारा फर्ज बनता है कि वो बंदा, जैसे हम तो यंग हैं या हमारे पैर अच्छे हैं, मतलब तो हम तो खड़े होकर भी सफर कर सकते हैं, मतलब। और ज्यादातर मैंने देखा है कि बहुत सारे, मतलब 100 में से जो 90% होते हैं या 95% होते हैं, मतलब तो जब वो देखते हैं कि कुछ लोग तो जब हैंडीकेप बंदा है क्योंकि उसके पास लकड़ी होती है या बैसाखी होती है बस में चढ़ने के लिए, कई लोग तो बाहर से भी उसको हेल्प करते हैं बस में चढ़ाने के लिए, ताकि वो बंदा जो होता है मतलब अच्छे से बस के अंदर चढ़ रहा है, और जो बस के ड्राइवर होते हैं वो भी अच्छे से रोक के रखते हैं, मतलब ताकि जो जो व्यक्ति है मतलब वो अच्छे से बस में चढ़ रहा है, मतलब तो चढ़ने के बाद वो बंदे जो बाहर से सपोर्ट कर रहे होते हैं वो तो छोड़ देते हैं, फिर वो बंदा अंदर बस के अंदर आता है, मतलब फिर वो देखता है कि उसकी सीट अवेलेबल कहाँ है। वैसे तो कहने के लिए तो हैंडीकैप सीट उसके लिए पहले से ही रिजर्व होता है, लेकिन उसके अलावा मान लो जनरल सीट भी हो या महिला सीट भी हो, मतलब क्योंकि वो बंदा हैंडीकैप है या विकलांग है, मतलब तो अगर कोई सी भी सीट हो उस अगर ऐसी ऐसी कंडीशन है, मतलब चाहे आप वो बंदा मेट्रो में चढ़ता हो, चाहे वो मिनी बस में चढ़ता हो या नॉर्मल बसेस में चढ़ता हो नॉन एसी या एसी वाली में, तो फर्ज तो यही बनता है कि चाहे उसके लिए सीट आरक्षित हो या ना हो, लेकिन वैसे तो सीट आरक्षित होती है, लेकिन हो उस पर पहले से भी कोई हैंडीकैप बंदा बैठा हो, और मान लो अगर आप बैठ रहे हो तो आपका फर्ज उस टाइम यही बनता है कि आप उस सीट को उस हैंडीकैप बंदे को, उस विकलांग व्यक्ति को वो सीट प्रोवाइड कर दिया, उसको दे दे, मतलब ताकि वो व्यक्ति अच्छे से उसमें सफर कर ले। कुछ व्यक्ति होते हैं जो थोड़ा प्रॉब्लम होती है उठने में, मतलब तो मैं ऐसे जो बहुत ही कम मेरे को मैंने देखने को मिला, फिर भी होते हैं, मतलब कुछ कह नहीं सकते, मतलब तो उनको थोड़ी उठकर सफर करने में प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप ये सोचें कि आपके पैर अच्छे हैं, आपके पैर सलामत है, मतलब और आप अच्छे, अब आपका जो हेल्थ है अच्छा है, तो आप तो खड़े होकर भी सफर कर सकते हैं, लेकिन वो व्यक्ति जो है वो फिजिकली चैलेंज है, मतलब विकलांग है, मतलब तो उसको खड़े होकर सफर करने में प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब तो आपका फर्ज यही बनता है कि आप उसको सीट दे दें। तो आशा करता हूँ कि आप उनको नेक्स्ट टाइम से वो सीट दे देंगे, और जैसे कि तो हो गया आपको सीट दे देना चाहिए। दूसरी बात, सीट में मान लो कोई पहले से भी व्यक्ति हो, चाहे वो मेट्रो मेट्रो में मतलब मेट्रो के अंदर अगर कोई उसके लिए सीट बना हुआ आरक्षित किया हुआ, उस पर कोई पहले से हैंडीकेप बंदा बंदा हो, कोई दूसरा बंदा चढ़ रहा है मान लो हैंडीकेप या फिजिकली चैलेंज, तो फर्ज आपका यही बनता है कि आप अच्छे से किसी सीट पर बैठे हुए हो, मतलब तो आपको नॉर्मल सीट भी हो, जनरल सीट भी हो या लेडीज सीट भी हो, मतलब तो आपका फर्ज बनता है कि आप वो सीट भी उनको प्रोवाइड कर दें, मतलब ताकि उस व्यक्ति को अच्छा फील हो, वो सोचे कि हाँ आप एक अच्छे ह्यूमन हो, अच्छे व्यक्ति हो, अच्छे सोच वाले व्यक्ति हो, मतलब और आपका फर्ज भी बनता है, मतलब और आपको भी उस टाइम अच्छा फील होगा जब आप इस तरीके का कुछ भी अच्छा काम करते हैं, मतलब तो आपको एक अच्छा ह्यूमन होने का, अच्छा मानव होने का, अच्छा इंसान होने का आपको एक एक अंदर से फीलिंग आएगा कि आपने कुछ अच्छा काम किया है, मतलब उनकी सीट तो आप दे ही दो, लेकिन उसके इसके अलावा अगर उस सीट पर पहले से भी कोई हैंडीकेप बंदा बैठा हुआ है तो कोई दूसरी सीट भी हो तो आप उनको प्रोवाइड कर दीजिए, उनको दे दीजिए, इससे आपको एक अच्छा फील भी होगा, आपको अच्छा होने का एहसास भी होगा, मतलब। तो ये तो दोस्तों मेरा आज का एक नया वीडियो कि जहाँ पर भी, चाहे वो मेट्रो हो, चाहे मिनी बस हो या नॉर्मल बस हो, एसी या नॉन एसी, जहाँ पर भी हैंडीकैप सीट होती है, अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई नहीं चढ़ता है तब तो कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए, बट अगर कोई नहीं, अगर कोई बंदा किसी भी चैन से चढ़ता है उस बस में हैंडीकैप बंदा, तो आपको वो सीट दे देनी चाहिए, मतलब। और अगर मान लो सीट पर पहले से कोई व्यक्ति बैठा हो तो आपको, आप करंट सीट पर जो भी आप बैठे हो, चाहे जनरल हो या कोई भी हो, आपको भी वो सीट दे देनी चाहिए एक अच्छे मानव इंसान और मनुष्य होने के नाते। दोस्तों ये था मेरा आज का एक नया वीडियो, कैसा लगा लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए अब मोटिवेशनल वीडियो के बारे में, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो आपको इस वीडियो के नीचे आपको एक रेड सब्सक्राइब बटन और उसके साइड में आपको एक बेल वाला आइकन भी दिख रहा होगा, तो आप उन दोनों को प्रेस करके मेरे इस चैनल से कनेक्ट हो जाइए, ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियोस का आप देख सकें, उसे कुछ सीख सकें,
अपने लाइफ में ग्रोथ कर सके और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति, एक अच्छे इंसान बन सके। दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये नया वीडियो। और दोस्तों आज हम बात करेंगे ऑलवेज गिव लेडीज सीट इन द बस, इन द मेट्रो ट्रेन, और जहाँ भी मतलब जो गाड़ियाँ वगैरह होती हैं जहाँ पे लिखा होता है लेडीज सीट। मतलब तो ज़्यादातर बस वगैरह जो होती हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या जो गवर्नमेंट के थ्रू होती हैं, जैसे यहाँ हमारे भारत में जैसे दिल्ली में DTC की होती है, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, DTC की जो बसें होती हैं CNG से चलने वाली, और अलग अलग स्टेट की अलग अलग जो बसें होती हैं जो CNG से चलती हैं, मतलब तो उन सभी बसों में लेडीज सीट लिखा ही होता है। मेट्रो वगैरह में भी लेडीज़ों के लिए पहले से सीट रखा रहता है। मतलब तो कहने का मतलब आज हम इस टॉपिक को लेकर बात करेंगे, मतलब कि जहाँ भी मतलब लेडीज सीट का जो हकदार हो या मतलब, तो उनको हमें उस जगह पर लेडीज सीट दे देनी चाहिए। अब इस चीज को लेकर आज हम इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करेंगे और उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि मैंने कुछ जगह पर देखा है कि लेडीज सीट लिखा होता है वहाँ पे, मतलब तो जेंट्स वगैरह होते हैं या बॉयज वगैरह होते हैं, मतलब तो वो इग्नोर करते हैं उन चीज़ों को। तो इसी चीज़ को आज हम बात करेंगे वीडियो के थ्रू कि तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये नया वीडियो। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि हमने अक्सर देखा होगा कि मतलब जब हम बस वगैरह में सफ़र करते हैं, मतलब जब हम स्कूल जा रहे होते हैं तो हमारे पास बनने होते हैं पास के थ्रू, और जब स्कूल में भी होते हैं कॉलेज में भी होते हैं तो हमारा मंथली पास बनता है। मतलब तो हम तो चलो स्टूडेंट होते हैं, मतलब तो कई लोग ऐसे भी होते हैं जो सीनियर होते हैं जो जॉब के पर्पज़ से मतलब सफ़र कर रहे होते हैं बस के अंदर, और यही सेम चीज़ होता है मेट्रो के अंदर भी। तो चाहे हम बस में सफ़र करें, मेट्रो में सफ़र करें, यहाँ तक कि जो मिनी बसें भी होती हैं मतलब वो भी जो चलती है उसमें भी लेडीज सीट पहले से बुक करके आरक्षित करके रखा होता है। मतलब तो जैसे मैंने बताया बसों के अंदर, मेट्रो के अंदर और जो मिनी बसें होती हैं उसके अंदर भी लेडीज सीट मतलब पहले से ही फिक्स्ड कर दिया जाता है। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब मतलब गाड़ी वगैरह चलती है, बस वगैरह चलती है, तो कई लोग उसमें चढ़ते हैं। तो जैसे अगर कोई लेडीज नहीं चढ़ती है मतलब किसी स्टैंड पे, तो जेंट्स वगैरह चढ़ जाते हैं या बॉयज या लड़के जो होते चढ़ जाते हैं, और जाके वो क्योंकि कोई नहीं बैठा था, तो कोई भी मतलब अगर लेडीज सीट पे उस समय कोई नहीं बैठा है, कोई लेडीज नहीं बैठी कहने का मतलब है ना, तो फिर तो कोई भी बैठ सकता है चाहे वो जेंट्स हो, बॉय हो या लड़का हो मतलब। लेकिन फिर क्या होता है अगले स्टैंड पे कोई लेडीज चढ़ गई या कोई मतलब लेडीज चढ़ गई या कोई ओल्ड लेडीज चढ़ गई कहने का मतलब है ना, और कई बार प्रेग्नेंट लेडीज भी चढ़ जाती हैं कहने का मतलब। तो आप तो फिर चढ़ने के बाद एक्चुअली होता क्या है कि जैसे मेट्रो में बताया या बस में बताया या मिनी बसों में बताया कि कई लोग देख तो लेते हैं कि कोई लेडीज चढ़ी है, तो हो सकता है वो बूढ़ी हो, या हो सकता है वो कोई लड़की हो, या हो सकता है कोई मिडल एज हो, या फिर हो सकता है वो प्रेग्नेंट भी हो। मतलब तो चार तरह के मतलब कंडीशंस हो सकते हैं, मतलब लड़कियों के मतलब लेडीज़ों के प्रेग्नेंट भी हो सकती हैं, बूढ़े भी हो सकती हैं, मिडिल एज भी हो सकती हैं, और यंग भी हो सकती हैं। तो उनको पता, फिर जो जेंट्स होते हैं वहाँ पे लेडीज़ें खड़ी हो मतलब, क्योंकि उनका वो हक है कि लेडीज सीट पर जाकर वो लेडीज सीट के लिए बोले कि भाई साहब या बेटा या जो भी है मतलब कि आप हमें सीट दे दीजिए। तो कई लेडीज़ें तो बोल देती हैं, तो वो अब बंदे को मतलब, तो बंदे कई अच्छे होते हैं मतलब आपको सीट दे देते हैं, लेकिन बेटर ये होता है कि जब आप किसी लेडीज़ को देखते हो मतलब बस में चढ़ते हुए, मतलब क्योंकि आप पहले से अगर किसी लेडीज सीट पर बैठे हो मतलब, तो कोई लेडीज आपके सामने चढ़ती है तो आपको दिख जाता है कि हाँ मैं, और आप चढ़ने से पहले भी देख लेते हो बस में, चढ़ने के बाद सीट पर भी देख लेते हो कि हाँ ये नॉर्मल सीट है जनरल या लेडीज सीट है या दूसरी सीट है मतलब। तो अगर आपको ना पता है कि, और पहले से जनरल सीटें सारी फुल है लेकिन लेडीज सीट खाली आप बैठ जाते हो, तो आपके सामने कोई लेडीज चढ़ी है चाहे वो बूढ़ी हो, प्रेग्नेंट हो, यंग हो या मिडिल एज हो, तो इससे आपका फर्ज बनता है मतलब कि आप बिना बोले ही वो जो सीट है मतलब आप उनको बोल दें कि बहन जी बैठ जाइए, बेटा बैठ जाइए, आंटी बैठ जाइए मतलब। तो कहने मतलब, तो कई लोग एक्चुअली होता क्या है कि देख लेते हैं कि कोई ना कोई चढ़ गया है फीमेल में है ना, तो वहाँ पर वो चीज़ लोगों को दिखता है, अब लेडीज हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं, कई लोग बोलते नहीं है, कई लेडीजें बोलती नहीं झिझक के मारे, या उनको लगता है कि बंदा समझदार होगा तो खुद ही सीट को छोड़ देगा या बोल देगा कि आप बैठ जाओ। तो कई लोग होते हैं जो अच्छे होते हैं तो मतलब उस चीज़ को सीट को दे देते हैं कि आंटी आप बैठ जाइए, मैडम आप बैठ जाइए, दीदी आप बैठ जाइए, मतलब जो भी मतलब अच्छे से उनका मतलब रिस्पेक्ट करते हुए मतलब। लेकिन कई लोग होता है कि उस चीज़ को इग्नोर करते हैं मतलब, इग्नोर मतलब अनदेखा करते हैं। अब लेडीज आपके सामने खड़ी है, ऊपर जो
पाइप वगैरह गए होते हैं हैंड, मतलब हैंड सपोर्ट के लिए, उसको पकड़ के, क्योंकि हम भी कई बार जब हम स्कूल वगैरह में पढ़ते थे और कॉलेज वगैरह में पढ़ते थे, तो कई बार हमने इस चीज़ को देखा था, मतलब देखा है, और मेरे को काफ़ी बुरा लगता था, क्योंकि मैं तो जब मेरी यह हैबिट थी नहीं, मतलब कि कोई मेरे सामने लेडीज़ हो या बूढ़ी औरत हो या ओल्ड लेडीज़ हो या मिडल एज हो, क्योंकि लेडीज़ तो कोई भी हो सकती है ना, जब उसका हक है उस सीट पर बैठने का, तो हमें उसको दे देना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो मैंने तो कभी अपने अपने लाइफ में, मतलब जब भी अगर मैं, क्योंकि कोई नहीं बैठा तब तो मैं बैठ जाया करता था, लेकिन अगर कोई लेडीज अगले स्टैंड पर चढ़ी और मैं अगर फीमेल लेडीज पर बैठा हूँ, लेडीज सीट पर बैठा हूँ, मतलब फीमेल या लेडीज जो लेडीज सीट होती है पर बैठा हुआ हूँ, मैं तुरंत उठ के बोल दिया देता था कि अगर ओल्ड होती तो बोलता था आंटी आप बैठ जाइए, कोई मिडल एज होती तो मतलब दीदी आप बैठ जाइए सीट के ऊपर, या आपकी सीट है आप बैठ जाइए, मतलब आप लोगों के लिए, तो मैं तो उनको फटाफट सीट दे देता था, मतलब क्योंकि उनका हक है। मतलब तो जैसा कि मैंने बताया कि कई लोग इस चीज को इग्नोर करते हैं, उनको लगता है कि वो हमें बोलेंगे नहीं तो हम बैठे रहेंगे, मतलब क्योंकि हर किसी को सीट पर बैठ के सफर करना अच्छा लगता है, क्योंकि आपको आराम मिलता है, मतलब। लेकिन जैसे मैंने बताया कि बस के अंदर कई सारी सीटें होती हैं, जनरल सीटें होती हैं, उसमें कोई भी बैठ सकता है, लेडीज जेंट्स, और कुछ सीट ऐसी होती हैं जो पहले से ही आरक्षित होती हैं, मतलब जैसे मैंने बताया एक लेडीज सीट हो गया, उसके अलावा हैंडीकैप सीट भी होता है, सीनियर सिटीजन सीट भी होता है, जो बहुत ज्यादा बूढ़े होते हैं, मतलब बस में चढ़ते ही वो, क्योंकि बस में धक्के वगैरह भी लगते हैं कई बार, बस भी ऐसे हिलती हुई, मतलब क्योंकि चलती है तो कई बार गड्ढे भी आते हैं, और ब्रेकर भी आता है रास्ते में, मतलब तो गाड़ी जो फ्लो में अपने चल रही होती है, तो बूढ़े लोग जो ओल्ड एज होते हैं, मतलब वो ज्यादा हिलने की वजह से उनके शरीर कमजोर होता है, मतलब तो ज्यादा देर तक वो खड़े रहकर सफर करना उनके लिए काफी दिक्कत वाला होता है। तो इसी तरीके से जैसे मैं बात कर रहा था कि जो लेडीज सीट होता है, तो चलो अगर कोई यंग लड़की है, मतलब तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप लेडीज सीट नहीं देते हो, लेकिन बेसिकली तो आपको देना ही चाहिए, लेकिन तो अगर यंग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब लेकिन आपको दे देना चाहिए। दूसरी बात, अगर मिडिल एज भी है तो वो लोग बोल के सीट ले लेते हैं, लेकिन जो ओल्ड एज होते हैं, मतलब जो बूढ़े होते हैं, और खास तो अगर आप बूढ़े कोई लेडीज है, मतलब ज्यादा वृद्ध व्यक्ति है, मतलब और उस टाइम हो सकता है कि जो सीनियर सिटीजन सीट हो वो पहले से उस पर कोई ना कोई मतलब बैठा हुआ हो, क्योंकि सीनियर सिटीजन में यह नहीं लिखा होता कि वो मेल हो या फीमेल हो, चाहे बूढ़ा व्यक्ति हो मेल चाहे बूढ़ा व्यक्ति हो फीमेल, दोनों में से कोई भी उस सीट पर बैठ सकता है, तो हो सकता है उस सीट पर कोई पहले से बैठा हो, तो और आप क्योंकि लेडीज सीट पर बैठे हो, मतलब तो आपका फर्ज बनता है कि वो जो बूढ़ी महिला चढ़ी है, ओल्ड लेडीज चढ़ी है, मतलब आप उस सीट को उसको दे दे, क्योंकि उस एज हो सकता है कि हमारे घर के अंदर हमारे वो हमारी दादी की उम्र है, मतलब या हमारी माँ की उम्र है, मतलब तो हमें ऐसे सोचना चाहिए कि अगर हम उसके वो जो लेडीज चढ़ी है, अगर उसकी उनकी जगह पर हमारे अगर हमारे रियल मदर होती या हमारी रियल नानी या दादी होती, तो क्या हम उनको सीट नहीं देते हैं? क्या हम बैठ के देखते रहते हैं और उनको खड़ा करके रखते हैं? नहीं ना, हम तो उनको सीट दे ही देते हैं। तो मतलब आप ये सोचे, और उस लेडीज में उतनी ताकत नहीं, उतनी क्षमता नहीं, जो मतलब अगर उसका सफर लॉन्ग, मतलब जैसे मतलब जो आखिरी स्टेशन का हो या काफी दूर स्टेशन का हो, तो वो लेडीज कैसे अपने बॉडी को, मतलब क्योंकि हिलेंगे या कहीं झटका लग गया तो गिरने का चांसेस होता है, मतलब तो बॉडी में उतनी एनर्जी नहीं रहती कि आप किसी चीज को डायरेक्ट सीट के आगे पकड़ने का होता है, आप होल्ड करके रख सको। यंग बंदा तो इजिली होल्ड कर सकता है, बट जो ओल्ड एज होते हैं, क्योंकि शरीर कमजोर होने के कारण, बूढ़े होने के कारण, ओल्ड होने के कारण, शरीर में उतनी जो क्षमता होती है, उतनी ज्यादा एनर्जी लेवल उतना स्ट्रांग नहीं होता है। तो कहने वाला, अगर हम उस एज की खासतौर पर दिखते हैं तो हमें सीट तुरंत दे देना चाहिए। और अगर कोई प्रेग्नेंट लेडीज भी चढ़ती है, मतलब तो क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, मतलब तो हमें प्रेग्नेंट लेडीज को भी सीट दे देनी चाहिए, क्योंकि वो भी मतलब खड़े होकर वो सफर नहीं कर सकती ना, ओल्ड एज की लेडीज सफर कर सकती हैं खड़े होकर। दोस्तों, मेरा आज का एक नया वीडियो था जो कि मैंने इस टॉपिक पर बात किया कि जब भी आप अगर बस में चढ़ते हैं, मतलब और अगर उस टाइम कोई लेडीज सीट है और आप बैठे हुए हो, मतलब तो उसके बाद और कोई अगर दूसरा लेडीज ना चढ़ी है, तो अगर आप जैसे नेक्स्ट टाइम से अगर कोई भी फीमेल चढ़ती है लेडीज में, मतलब ओल्ड मिडल एज या और प्रेग्नेंट और मिडल एज, मतलब जो भी चढ़ती है, चाहे कोई भी लेडीज हो, आपको उसको सीट दे देनी चाहिए। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में, एक नए इंस्पिरेशनल वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप
मेरे इस चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो आप सभी को मेरे इस चैनल के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा रेड कलर का, उसके साइड में आपको एक बेल वाला आइकन भी दिख रहा होगा। अभी उस चैनल उसको उन दोनों को प्रेस करके मेरे इस चैनल से कनेक्ट हो जाइए, ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियोज़ को आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें, अपने लाइफ में ग्रोथ कर सकें और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सकें। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का यह नया वीडियो। आज का हमारा जो टॉपिक है, हम बात करेंगे ऑलवेज गिव सीनियर सिटीजन सीट इन द बस, इन द मिनी बस और इन द मेट्रो। तो आज हम इस टॉपिक को लेकर बात करेंगे कि जो बसें होती हैं, जैसे ज़्यादातर सिटीज वगैरह में तीन तरह के वाहन ऐसे चलते हैं, मतलब जिसमें पहले से सीनियर सिटीजन सीट को आरक्षित कर दिया जाता है। मतलब तो पहला हो गया बस, खासतौर पर जो सिटी के अंदर सीएनजी की बसें होती हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस वाली बसें होती हैं, बड़ी बड़ी, जो मतलब जो पब्लिक को लेकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का काम करती हैं, अलग अलग स्टैंड के हिसाब से। मतलब पब्लिक चढ़ती है जो जॉब करने वाली होती है, या कहीं घूमने वाली होती है, या फैमिली के साथ सफ़र करने वाली होती है। तो एक तो हो गया बड़ी बड़ी बसें, दूसरा होता है मेट्रो। तो बसें जो होती हैं काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस में वो आपको ले जाती हैं और उतारती भी है, मतलब। तो और दूसरी होती है मेट्रो। तो जो बसें होती हैं वो सफ़र करने में टाइम लेती हैं, मतलब, क्योंकि उनका जो जैसे पता होगा रूल्स के हिसाब से कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से उनको गाड़ी चलाना होता है। तो बसें टाइम लेती हैं पहुँचने में जहाँ भी आपको जाना होता है, मतलब। तो उसमें लेकिन जो किराया होता है वो 5, 10, 15, 20, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ तो यहाँ पे जो एसी वाली बसें होती हैं, वहाँ पे एसी वाली बसें स्टार्ट होती हैं, जो किराया होता है फेयर होता है 10, 15, 20, 25 लास्ट होता है लास्ट एंड का। उसके अलावा जो नॉर्मल बसें होती हैं विदाउट एसी, उसमें 5, 10, 15 होता है, कहने मतलब। तो और ये जो बसें होती हैं काफ़ी दूर दूर तक जाती हैं, मतलब, और टाइम भी लगता है पहुँचने में। तो ये होगी नॉर्मल बसें, मतलब, जिसमें पहले से सीनियर सिटीजन सीट को आरक्षित किया दिया जाता है। दूसरी होती है मिनी बसें, जो लॉन्ग जो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए रहती है, मतलब जैसे दिल्ली में एक बस चलती है जिसको ज़्यादातर वो मेट्रो स्टेशन से दूसरे मेट्रो स्टेशन के बीच में वो चलना ज़्यादा दिखती है, मतलब। जैसे पहले एक ग्रे कलर की दिखती थी, अभी क्योंकि अभी कोरोना का टाइम चल रहा है तो बसों का उतना ज़्यादा अभी वो नहीं है, मतलब। तो अभी बीच में बंद हो गई, लेकिन अभी पहले कोरोना से पहले काफ़ी बसें चलती थी, मतलब। तो वो मिनी बसों में भी हम जब चढ़ते थे, मतलब ऑफिस जाने के लिए, मतलब, तो हम देखते थे वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होती है, मतलब। तो उसमें हम देखते थे कि उसमें हम ये देखते थे कि जो सीटें टोटल होती थी उन सीटों में से सीनियर सिटीजन सीट भी पहले से ही बना, मतलब, लगा हुआ रहता था। उसके अलावा दूसरी सीटें भी होती थी जो आरक्षित, जैसे लेडीज सीट हो गया या हैंडीकैप सीट हो गया। तो मिनी बस के अंदर भी हमें सीनियर सिटीजन सीट देखने को मिलता है। उसके अलावा जो तीसरी होती है होती है मतलब मेट्रो, जो सिटीज वगैरह में चलती है, जैसे दिल्ली में दिल्ली मेट्रो चलती है, मतलब। तो मेट्रो वगैरह में क्या होता है कि आपको जिस भी जगह पर जाना है बहुत ही कम समय में, मतलब, आपको पहुंचा देते हैं, मतलब। लेकिन इसका जो फेयर होता है, चार्ज होता है, वो ज़्यादा होता है, मतलब, बस के फेयर के मुकाबले में, क्योंकि आपको टाइम पर पहुँचना है, मतलब। तो आपको उसकी जो फैसिलिटी मिल रही है जल्दी से जल्द पहुँचने की, वो तो आपको मिल ही रही है मेट्रो से आने जाने की। तो अगर आपको फैसिलिटी चाहिए तो सफ़र, मतलब, जो जहाँ का रोल है वो तो आपको पे करना ही पड़ेगा, उसके हिसाब से जो फेयर है। तो कहने का जो हम मेट्रो में मेट्रो के जो, मतलब, जो मेट्रो के हम उसमें एंट्री करते हैं, जो बॉक्सेस होते हैं, डब्बे होते हैं, जो लाइन से लगे हुए होते हैं, मतलब चढ़ते वक्त, तो उसमें जो हम चढ़ते हैं तो हम भी देखते हैं कि वहाँ पर भी जो हम सीट पर बैठते हैं, तो सीट पर बैठने से पहले हम देखते हैं कि सीट के ऊपर लिखा रहता है कि ये सीनियर सिटीजन सीट है या हैंडीकैप सीट है या लेडीज सीट है, मतलब जहाँ पे प्रेग्नेंट लेडीज का, मतलब, वो दिखाकर, मतलब, जैसे एक फोटो लगाकर, मतलब, दिखाते हैं कि ये सीट जो है प्रेग्नेंट लेडीज के लिए बनाया गया है। तो अगर कोई प्रेग्नेंट, मतलब, कोई लेडीज नहीं चढ़ती तो कोई बंदा बैठ सकता है, लेकिन बाई चांस कब कोई प्रेग्नेंट लेडीज चढ़ती है तो उसको सीट दे देना चाहिए उस जगह पर। लेकिन हम बात करें अभी यहाँ पे सीनियर सिटीजन सीट के बारे में, तो सीनियर सिटीजन दोस्तों वो होते हैं जो 60 या 70 साल क्रॉस कर चुके होते हैं, वृद्ध व्यक्ति होते हैं, ओल्ड एज पीपल्स होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो 60-70 साल की क्रॉस कर जाते हैं उनको सीनियर सिटीजन कहा जाता है। हिंदी में बात करें तो उनको वरिष्ठ नागरिक कहा जाता है, मतलब, किसी भी देश के अंदर या किसी भी राज्य के अंदर। और जब वो सफ़र करते हैं तो उनके लिए इन तीन वाहनों में, चाहे वो मेट्रो हो, चाहे वो मिनी वाली जो मिनी बसेस होते हैं वो हो, या फिर जो बड़ी वाली बसें होती हैं सीएनजी की वो हों, उन सभी जगहों पर ट्रांसपोर्ट वाली बसें होती हैं, मतलब सीएनजी की वो, इन तीनों वाहनों में उनके लिए पहले से सीटें आरक्षित होती हैं। तो कई बार हम देखते हैं कि जब हम
बचपन में हम स्कूल जाया करते थे, हमारा तो पास बना होता था, और हम कॉलेज भी, जैसे मैं जब कॉलेज भी जाता था तो मैं देखता था कि जैसे बस में हम जब चढ़ते थे मतलब, तो हम देखते थे कि फिलहाल तो अगर कोई कोई नहीं, बस कोई सी कोई मतलब सीनियर सिटीजन अगर सीट है और कोई वहां पर सीनियर सिटीजन नहीं चढ़ा था, यंग है मतलब, या मिडिल एज के हैं मतलब, तो उस सीट पर तो कोई भी बैठ सकता है। बट कई बार मैंने ऐसा भी देखा था कि मैं तो ज्यादातर मेरे को तो मैं खड़े होकर ही सफर करता था, क्योंकि जब मैं चढ़ता था तो पहले सारी सीटें, चाहे जनरल सीट हो या लेडी सीट हो या हैंडीकैप सीट हो, कोई ना कोई पहले से बैठा ही रहता था, तो मैं ज्यादातर खड़े होकर ही सफर करता था। बहुत कम मैंने मतलब बैठ के सफर किया है बसों के अंदर, कॉलेज भी जाता था या जब स्कूल भी जाता था मतलब। तो मैंने कई बार उस टाइम सफर करते हुए देखा क्या कि जैसे जब कोई भी सीनियर सिटीजन नहीं है या कोई ओल्ड एज पीपल बस में चढ़ा नहीं है मतलब, तब तो चलो आप उस सीट में बैठ के सफर कर सकते हो क्योंकि कोई नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता था कि जब सारे बंदे बैठे होते थे और सीट पे कोई ना कोई बंदा बैठा होता था सीनियर सिटीजन सीट के ऊपर, तो अगले स्टैंड से कोई बूढ़ी लेडीज चढ़ गई या कोई बूढ़ा व्यक्ति ओल्ड एज बंदा मतलब चढ़ गया। अब जब वो बंदा चढ़ा तो चढ़ने में क्या होता है कि और भी पीछे से पब्लिक चढ़ रही होती है, क्योंकि एक बंदा चढ़ेगा नहीं, चढ़ने के बाद क्या होता है कि बॉडी इतनी, क्योंकि ओल्ड एज पीपल 60-70 साल का जो बंदा होता है, जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं, उनकी बॉडी मतलब उतनी ज्यादा एनर्जी नहीं होती बॉडी के अंदर, तो चलते ही एक्चुअली क्या होता है कहीं गिरने लगते हैं मतलब, ऐसे झुकने लगते हैं, या कहीं किसी को पकड़ते तो हाथ पैर उनके हिलने लगते हैं। तो वो बंदा मतलब जो लेडीज थी मैंने कई बार देखा जो कमजोर थी मतलब, तो वो चढ़ जैसे गिर मतलब गिर रही है सीट को, सीट के मतलब आगे भी एक पकड़ने का वो होता है, ग्रिप होता है, उसको पकड़ रही है मतलब। तो हम तो जैसे कई बार मैंने देखा कि जो अच्छे बच्चे जैसे कई स्टूडेंट हम भी थे मतलब, तो हम तो दे दिया करते थे मतलब, वो सीनियर सिटीजन सीट मतलब कोई लेडीज चढ़ती थी, हम देखते थे कि अरे वो जो लेडीज है या जो महिला है मतलब, वो मतलब मैं तो कंपेरिजन करता था कि अगर उसकी जगह पर मेरी या मम्मी भी होती या मेरी नानी या दादी भी होती तो हम उनको सीट, मैं उनको सीट दे देता, और फिर वो उनका हक है तो हमें तो उनको सीट दे देना चाहिए। तो कहने का मतलब मैं जब भी सफर करता था तो मैं तो सीट दे दिया करता था, और मैंने कई बार देखा कि जो अच्छे लोग होते हैं मतलब, अच्छे सीनियर मतलब, अच्छे सिटीजन होते हैं, अच्छे नागरिक होते हैं, तो वो भी ऐसे उनके अंदर भावना होती है कि उनको लगता है कि हाँ अगर उनके जगह पर उनकी मदर होती है, उनकी नानी या दादी होती तो वो उनको सीट दे देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग थोड़े वैसे होते हैं मतलब, उनको लगता है कि इग्नोर कर देना चाहिए, या सीनियर सिटीजन बंदा आगे खड़ा हो जाता है सामने और वो कुछ बोलता नहीं, क्योंकि समझदार व्यक्ति के लिए इशारा ही काफी होता है कि जब आपको पता है कि आप सीनियर सिटीजन सीट पर बैठे हुए हो मतलब वरिष्ठ नागरिक सीट पर, और आपके सामने कोई बूढ़ा व्यक्ति खड़ा है आपको आंखों में आंख डाल के देख रहा है, और आप उस चीज को क्योंकि वो कहना चाह रहे हैं कि बेटा आप सीट को उसको दे दीजिए बिना बोले, क्योंकि आप समझदार हो और आपको ही पता है कि आप उस सीट पर बैठे हुए, तो लेकिन कई लोग आंख मतलब देखने के बाद भी कि सामने हमारे कोई बूढ़ा व्यक्ति खड़ा है मतलब, या बूढ़ा इंसान खड़ा है, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स हो मतलब, तो वो लोग इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, अनदेखा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि अगर उनकी जगह पे उनकी अगर मदर होती है या उनकी नानी होती है या कोई दादी होती है या कोई फैमिली कोई भी वो होती है मतलब जो ओल्ड एज है मतलब, तो क्या वो उनको सीट नहीं देते एक अच्छे अगर मतलब इस तरीके से। तो फिर मन में ये आंसर होता है कि हमें इन चीजों को अच्छा मतलब अपने अंदर उन चीजों को जगाना चाहिए जो अच्छे हैबिट्स होते हैं, अच्छी मतलब जो इग्नोर नहीं करना चाहिए इस प्रकार के कंडीशन में मतलब। तो हमें यही कोशिश करना चाहिए कि जब हम अगर कोई बस के अंदर कोई सीनियर सिटीजन नहीं चढ़ा है तो हम उस टाइम ट्रेवल कर ले सीट में बैठ के तो अलग बात है, लेकिन जब कोई हमारे सामने से कोई बूढ़ा व्यक्ति मतलब, सामने से ओल्ड एज पीपल सामने से चल कर बस के अंदर चढ़ने के बाद हमारे सामने खड़ा हो जाता है, तो हमारा उस टाइम फर्ज बनता है, हमारा उस टाइम कर्तव्य बनता है, क्योंकि वो उसका हक है, उसका राइट है मतलब, उसका अधिकार है उसी पे बैठने का था, और उसका फिर शरीर भी तो कमजोर है ना मतलब, हम तो यंग है हम तो खड़े होकर भी सफर कर लेंगे, लेकिन वो बंदा या वो व्यक्ति या वो पर्सन खड़े होकर सफर नहीं कर सकता। तो एक अच्छे नागरिक होने के नाते, अच्छे व्यक्ति होने के नाते, अच्छे मानव होने के नाते हमें वो जो सीट है सीनियर सिटीजन उस बंदे को दे देनी चाहिए, उस ओल्ड एज पीपल को दे देनी चाहिए, और इसी से हमारी अच्छी सोच, हमारी अच्छी नागरिकता और एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान होती है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का एक नया वीडियो कि जब हम बस में सफर कर रहे होते हैं और कोई बस में सीनियर सिटीजन नहीं है तो कोई बात नहीं, हम उस सीट बैठ के सफर कर लेते हैं, लेकिन जब कोई हमारे सामने कोई बूढ़ा व्यक्ति या ओल्ड एज पीपल चढ़ता है मतलब, तो हमें उसको सीट दे देनी चाहिए, और एक अच्छा फर्ज भी बनता है, अच्छा कर्तव्य भी बनता है, और आपको भी एक अच्छा फील होगा कि आपने एक अच्छा काम किया है।
हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के हमारे ऐसे वीडियो में। और आज हम बात करेंगे नए वीडियो के बारे में। और उस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं, तो आपको इस वीडियो के नीचे एक रेड सब्सक्राइब बटन, उसके साथ में आपको बेल वाला आइकन भी दिख रहा होगा, तो अभी जाइए उन दोनों को आप प्रेस कर दीजिए, ताकि आप मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाएँ, मेरे आने वाले हर नए वीडियोज़ को देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें, अपने लाइफ में ग्रोथ कर सकें और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सकें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का यह नया वीडियो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डोंट यूज फोन लाइक अ चैट व्हेन यू आर वॉकिंग ऑन द रोड और वॉकिंग इन द पार्क लाइक और एनीवेयर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि जब आप फोन को यूज करते हैं, मतलब तो खासतौर पर जब आप, कई लोगों को मैंने देखा है, मतलब तो हमारा जो टॉपिक है बेसिकली आज का ये है कि जब आप रास्ते में वॉक कर रहे होते हैं, मतलब तो उस टाइम मतलब आप टोटली जो है वॉक करने में फोकस करो, मतलब तो वॉक करोगे तो आपका पूरा जो ध्यान होगा वॉक करने पे होगा। जैसे पार्क में लोग जाके वॉक करते हैं या रन करते हैं, मतलब तो कई लोग हाथ में उस टाइम फ़ोन लेकर मतलब चैटिंग या कुछ मैसेज का रिप्लाई वगैरह कर रहे होते हैं, कई लोग फ़ोन लेके मतलब बात भी कर रहे होते हैं और इधर वॉक कर रहे होते हैं, मतलब तो एक्चुअली क्या होता है। और इस तरह के कई और इस तरीके के हम जो मतलब कई जगहों पर देख रहे थे, पार्क वगैरह में हो गया, या जैसे जो सुबह के टाइम जो बड़ी बड़ी रोड होती हैं, इनके साइड में लोग मतलब जिनके घर के आसपास पार्क नहीं होता तो वो रोड पे जाके वॉक करते हैं, जो फुटपाथ वगैरह होता है, कई लोग गली में ही वॉक करते हैं, मतलब तो ये अलग अलग तरह है वॉक करने के। बट वॉक करते टाइम कई लोगों की जो हैबिट होती है वो हो सकती है, मतलब कि वो कान में ईयरफोन को लगा के या ईयरफोन लगा रखा है और उसके साथ साथ म्यूजिक भी सुन। दूसरी बात, वो साथ साथ ऐसे स्क्रीन पर मतलब हाथ में मोबाइल को पकड़े हुए होते हैं और जैसे किसी का व्हाट्सएप में मैसेज आ रहा है या किसी का मैसेंजर पे आ रहा है या कहीं भी जो भी वो ऐप यूज़ करते हैं उसको रिप्लाई भी कर रहे होते हैं। कई लोग ईयरपोड्स लगा के, मतलब ईयरफोन नहीं होता तो ईयरपोड लगा के, क्योंकि वायरलेस होता है तो उसको लगा के वो बात भी कर रहे होते हैं और एक तरफ ऊपर ही ऊपर मतलब देखते हुए बात कर रहे होते हैं और उनका जो ध्यान होता है मतलब नीचे की तरफ नहीं होता है, मतलब जो जो जहाँ पर वो चल रहे होते हैं। तो इसके मतलब इसकी बहुत सारी जैसे मतलब इससे कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, मतलब अगर आप इस तरह की हैबिट रखते हो मतलब तो आपको कई सारी जैसे परेशानियाँ हो सकती हैं, मतलब या कहीं पे तो इसको परेशानियाँ या प्रॉब्लम्स कैसे किस किस तरह की आ सकती हैं उनकी कुछ चीज़ को लेकर हम बात करेंगे। और इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया, मतलब क्योंकि कई बार मैंने एक दो लोगों को देखा, मतलब जो इस तरीके से उनको एक प्रॉब्लम हो गई थी और उस प्रॉब्लम को हम लेके डिस्कस करेंगे। मतलब तो हम बात कर रहे थे कि जो हमें रास्ते में वॉक कर रहे हों या ऑफिस से घर आ रहे हों, घर से ऑफिस जा रहे हों या पार्क में वॉक कर रहे हों या दौड़ रहे हों या रोड के साइड पर फुटपाथ होते हैं वहाँ पर वॉक कर रहे हों या दौड़ रहे हों, मतलब कहीं भी हों हम वॉक कर रहे हों या दौड़ रहे हों, मतलब अपने हेल्थ के लिए, तो हमें उस टाइम या तो हम वॉक कर लें या दौड़ लें, लेकिन उस टाइम हमें फ़ोन को यूज़ नहीं करना चाहिए। और अगर फ़ोन को यूज़ भी कर भी रहे हैं तो कुछ टाइम के लिए, मतलब वहाँ पे सीट्स वगैरह लगे होते हैं पार्क वगैरह के अंदर, तो कुछ टाइम आप बैठ लीजिए एक दो मिनट और अपना जो भी आपको मैसेज वगैरह अगर रिप्लाई करना है या बात भी करना है, मतलब अगर कॉल किसी का आ रहा है तो आप आराम से बात करके फिर वॉक करना स्टार्ट कीजिए, फिर रन करना दौड़ना आप स्टार्ट कीजिए। तो बात मतलब हम कर मतलब से बात क्यों नहीं करें, मतलब जैसे लोग पूछेंगे कि क्यों हम बात क्यों नहीं करें वॉक करते हुए या हम फ़ोन क्यों नहीं चलाए, तो इसके तीन चार प्रॉब्लम्स होती हैं। मतलब प्रॉब्लम यह होती है कि आप जब फ़ोन को मतलब हाथ में यूज चैटिंग करते हुए या रिप्लाई करते हुए, जब म्यूजिक सुनते हुए आप पार्क में, गली में या रोड के साइड फुटपाथ में कहीं भी आप वॉक कर रहे हो, दौड़ रहे हो, मतलब तो आपका जो फोकस होता है, मतलब वो फोकस आपका बढ़ जाता है। मतलब फोकस बढ़ने के कारण जो पहली प्रॉब्लम, मतलब आपका तो आपका फोकस नहीं रहता, जो हमारा पहला प्रॉब्लम है, जब फोकस नहीं रहेगा तो कई बार क्या होता है, फोकस ना होते आप रिप्लाई करते जा रहे हो और दौड़ते हुए जा रहे हो तो रास्ते में हो सकता है, पार्क के अंदर हो सकता है कोई मतलब पत्थर वगैरह आ जाए, मतलब तो अगर आपका पैर उसका लगा, क्योंकि आप तो मोबाइल की तरफ देख रहे हो, मतलब मोबाइल की स्क्रीन की तरफ आपको आपका ध्यान है रिप्लाई करने का है जो भी आपका मैसेज वगैरह आ रहा है, लेकिन आप जो ध्यान है आपका पैरों की तरफ नहीं, आपका पैर सही मतलब वॉक कर रहे हैं या किसी चीज़ से टकराने वाले, हो सकता है कोई पत्थर आ जाए, कोई ईंट वगैरह आ जाए, कोई गड्ढा वगैरह आ जाए, मतलब तो इससे क्या कर आपके पैर में वो चीज़ टकराए, मतलब आप गिर सकते हो, मतलब और गिरोगे तो आपका मोबाइल भी और टूटने के चांसेस होंगे, मतलब और जब मोबाइल गिरेगा तो उसके साथ साथ
आप भी मतलब गिरोगे और आपको भी चोट लगने के चांसेस बढ़ रहेंगे। कहने का मतलब यह है कि जो पहले हम इसकी समस्या की बात कर रहे थे कि जो आपको हो सकती है और वो ना हो, इसलिए मैंने इस वीडियो के थ्रू बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप फोन यूज करते हैं, अगर आप वॉक कर रहे हो, अगर आप दौड़ रहे हो, तो बाई चांस आप दौड़ते दौड़ते हो सकता है कि आपका ध्यान तो फोन पर फोन की स्क्रीन पर आपको रिप्लाई करने में, और रास्ते में कोई पत्थर आ गया, कोई गड्ढा आ गया, कोई ईंट आ गया और आपके पैरों से टकरा गया मतलब, तो हो सकता है कि आप मतलब जैसे कि उससे चीज टकरा और आप गिरे और साथ में फोन भी गिरे, और फोन गिरे और आपको भी हो सकता है आप भी साथ में गिरे और आपको भी चोट वगैरह लग जाए। कहने मतलब तो अगर आप इस चीज से बचना चाहते हो कि आपको चोट वगैरह ना लगे और आपका फोन सेफ रहे मतलब, क्योंकि वही चीज मैंने बताया कि आप कहीं बैठ करके उस मैसेज का रिप्लाई कर देते हो मतलब, तो आप भी सेफ हो और देन आप दोबारा से स्टार्ट कर सकते हो मैसेज का रिप्लाई करने के बाद या पूरी पूरी कॉल अटेंड करने के बाद। तो ये हो गया मतलब एक तो पहला कि आपका फोकस डिस्टर्ब हो जाता है, दूसरा आप कॉन्सेंट्रेट नहीं, आपका कॉन्सेंट जो ध्यान देने वाला जो कंसंट्रेशन का जो लेवल होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो सेकंड जो है, क्योंकि जब आप वॉक कर रहे हो तो ना तो आप पूरी तरह से वॉक कर पा रहे हो, क्योंकि कई बार बात कर रहे हो, अच्छा अच्छा ये अच्छा मैं रिप्लाई कर रही हूँ मतलब, इस तरीके से होता है। तो आपका जो कंसंट्रेशन लेवल होता है वो कम हो जाता है, ना तो वॉक पूरी तरीके से रहता है और ना ही आपका रिप्लाई करने में रहता है मतलब, तो इसकी भी कमी होती है मतलब इस तरीके की। तो आपका कंसंट्रेशन जो आपका कंसंट्रेशन लेवल है, या तो टोटल मैंने बताया कि अगर बैठ कर रिप्लाई कर लोगे तो आपको पूरा फोकस उस टाइम रिप्लाई करना पर ही होगा, या उस क्वेश्चन छोड़ देते हो बाद में रिप्लाई करते हो, उसे पूरा का पूरा फोकस जो होगा वॉक करने पर होगा या रन करने पर होगा। तो आपका दूसरा जो खामी थी वो तो कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है। तीसरा मैं जो कमी है वो ये है कि कई बार जैसे मैंने अपने कहीं मतलब मेरे गली के आसपास मैंने सुना था कि अब मैं गया नहीं, क्योंकि किसी के मुंह से मतलब सुना कि कोई मतलब फीमेल थी, कोई लड़की थी मतलब, वो रास्ते में रिप्लाई करती हुई, तो वो मतलब रिप्लाई करते और बात कर रही होंगी या रिप्लाई कर रही होंगी, तो उनका जो तो ध्यान था टोटली फोन के ऊपर था मतलब, तो फोन पे ध्यान करते करते क्या वो रास्ते में गड्ढे मतलब कोई गड्ढा था मतलब, जो आजकल कई सारे गड्ढे होते हैं पानी वगैरह भर जाता है, तो क्योंकि ज्यादातर लड़कियां सैंडल वगैरह पहन के चलती है मतलब, चाहे वो ऑफिस जा रही हो या कहीं भी जा जो उनका ऑफिस हो या कहीं पर जॉब कर रही हो, तो ध्यान में रिप्लाई करने पर था, तो सडनली क्या हुआ उस गड्ढे पे पैर लगा, और पैर लगने की वजह से क्या हुआ क्योंकि ध्यान उस टाइम फोन पर था, तो एक्चुअली फोन उछल के मतलब पानी के अंदर चला गया मतलब, और गड्ढा वैसे ज्यादा बड़ा नहीं था मतलब हल्के, लेकिन एक्चुअली हुआ क्या जब आपका ध्यान चैटिंग पे था या मैसेज के रिप्लाई करने पे था, तो पानी तो फोन के अंदर चला गया ना, आपका नुकसान भी हो गया मतलब। तो तीसरा मैं लेक्चर रहा था कि अगर आपका ऐसे कंडीशन में अगर आपका मतलब आप इस तरीके से आप इस हैबिट को रख रहे हो अपने साथ, तो हो सकता है कि आप किसी ऐसे गड्ढे में आपका पैर फिसल जाए या टकरा जाए मतलब, जहाँ पर आपके हाथ से, क्योंकि अगर आप इनबैलेंस हो गए मतलब, तो इनबैलेंस हो गए तो जाहिर सी बात हो सकता है कि आपके हाथ से फोन भी छूट जाए मतलब, अगर फोन छूट जाएगा तो वो जमीन पर भी गिर सकता है और गड्ढे में भी गिर सकता है जहाँ पे पानी भरा हो। तो आपके साथ ऐसा इंसिडेंट ना हो मतलब, और आपका क्योंकि फोन तो कीमती होता है, अब हर व्यक्ति अलग अलग प्रकार के अपने मतलब स्टेटस अपने कंडीशन के हिसाब से फोन को यूज करता है, कोई महंगा करता है, कोई एप्पल करता है, कोई रेडमी करता है मतलब, जो जिसके पास जितना इनकम का वो होता है उसके हिसाब से बंदे फोन को खरीद के यूज कर सकते हैं मतलब। तो ये तीसरा इसके मतलब कमी थी कि आप अगर किस तरीके कई कंडीशन में फंसते हो मतलब, तो आपको मोबाइल का मतलब डैमेज होने का ज्यादा खतरा है मतलब। और चौथी जो आखिरी इसकी जो प्रॉब्लम वो ये है कि कई बार हमने देखा होगा पार्क वगैरह में हम एंट्री करते हैं या जाते हैं मतलब, तो किसी किसी कोने में चिड़िया वगैरह दाना चुग रही होती है, और कहीं कहीं पर डॉगी वगैरह ये बैठे होते हैं, क्योंकि डॉगी जो होते हैं वो भी ऐसे साफ मतलब हरा भरे जगहों पर ज्यादा वो बैठते हैं मतलब, तो कई बार वो जो वो पार्क के अंदर भी दौड़ने वाला एक होता है पत्थर सा लगा होता है मतलब, लोग पार्क के अंदर मतलब जहाँ पे घास वाला इलाका है वहां तो बैठते हैं घास वाले एरिया में, लेकिन जो वॉकिंग वाला एक पत्थर सा बना रखा होता है दौड़ने का पाथ को, उस पे लोग दौड़ रहे होते हैं, वहां पे कई बार डॉगी भी बैठ जाते हैं। तो आपके दौड़ते वक्त क्या होता है कि आपने चैटिंग करते जा रहे हो, रिप्लाई करते जा रहे हो, और आप अगर उस डॉगी के ऊपर पैर रख दिया मतलब, डॉगी से अगर आप टकरा गए मतलब, तो सडनली आपके पैर को भी काट सकता है, और पैर को काट लेगा तो फिर आपको पता ही है कि आपको टिटनेस के साथ साथ आपको जो डॉगी वाले इंजेक्शन होते हैं वो भी आपको लगवाने ही पड़ेंगे मतलब। तो ये भी एक प्रकार का खतरा है, अगर आप उस इंजेक्शन को अपने आसपास लगाओगे प्राइवेट में मतलब, तो आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट में जाओगे तो आपको दूर जाना पड़ेगा, फिर लाइन में लगना पड़ेगा, फिर उसके इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। कहने मतलब आपको इंजेक्शन तो लगवाना ही पड़ेगा, वरना उससे
रेबीज की बीमारी हो जाती है, और रेबीज का सही टाइम पे इलाज नहीं कराया जाए तो उससे मतलब खतरा भी होता है जीवन के लिए। तो कहने मतलब तो चौथा जो हमारा था कि जैसे डॉगी का बताया, ये तो हो गया पार्क वाली बात। दूसरा, कई बार रास्ते में वॉक कर रहे हो जैसे रोड के साइड, वहां पर भी डॉगी वगैरह बैठे होते हैं, कहीं भी बैठ सकते हैं। तो आपका ध्यान मोबाइल पे बात करने में, चैटिंग में, रिप्लाई करने में, तो अगर आप डॉगी के ऊपर पैर रख दिया, आपका पैर लग गया, वो सडनली अचानक कि आपके पैर को पकड़ लेगा, हो सकता है छोड़े भी नहीं काटने के बाद। कई डॉगी बहुत जिद्दी होते हैं, जो अगर आपने उनको हिट कर दिया या आपका पैर लग गया तो पैरों को पकड़े ही रहते हैं जब तक कि ब्लड वगैरह ना निकल जाए। तो ऐसा कंडीशन आपको फेस ना करना पड़ेगा अपने मतलब लाइफ के अंदर। तो इसलिए भी आपको इस तरीके की हैबिट को हो सकता है मतलब आपको छोड़ने चाहिए मेरे ख्याल से। तो मैंने बस यही 3-4 उस प्रॉब्लम्स को बताने की कोशिश की इस वीडियो के थ्रू। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उन प्रॉब्लम्स के आपके लाइफ में वो प्रॉब्लम ना आए इसलिए मतलब आप उन हैबिट्स को छोड़िए। तो एक टाइम आप या तो वॉक कर लीजिए या मैसेज कर रिप्लाई कर लीजिए, मतलब ताकि वो आप ही के लिए अच्छा होगा। मतलब ये था दोस्तों मेरा आज का एक नया वीडियो इस टॉपिक पर कि आप जब वॉक कर रहे हो तो आप या तो वॉक कर लीजिए, रन कर लीजिए, या फिर आप अच्छे से जो भी अगर मैसेज वगैरह आ रहे हो आप रिप्लाई कर लीजिए। तो ये आप ही के लिए अच्छा होगा, मतलब तो आपका फोकस रहेगा। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का नया वीडियो, लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में, और उसके बारे में आज हम इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हैं, तो आपको इस वीडियो के नीचे एक रेड सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसके साथ में आपको एक बेल वाला आइकन दिखाई दे रहा होगा, तो अभी जाइए उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाए। फिर मेरे आने वाले नए वीडियोज को आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें, अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सकें और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सके। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का यह नया वीडियो। दोस्तों आज हम बात करेंगे गुरु यानी टीचर जो होते हैं उनका जीवन में महत्व के बारे में बात करेंगे। मतलब तो आज हम गुरु की इम्पोर्टेंसी को जीवन यानी जीवन के अंदर उनके महत्व के बारे में, उनके जो हमारे लाइफ में हमारे जीवन का महत्व है, उनका स्थान है, उसके इम्पोर्टेंस मतलब उसके महत्व के बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। दोस्तों गुरु कौन होते हैं? गुरु वो होते हैं जो हमें ज्ञान की अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, और गुरु को हम आजकल के दौर में जैसे हम टीचर भी कहते हैं, लेक्चरर भी कहते हैं, प्रोफेसर भी कहते हैं। और गुरु कई तरह के होते हैं, मतलब जैसे गुरु का जो जैसे हम बात करें, जैसे गुरु मतलब हम कोई भी चीज़ सिखा सकते हैं, मतलब क्योंकि वो अगर वो अलग अलग चीज़ों को सीख रहे मतलब सीख चुके होते हैं। जैसे एक गुरु होते हैं जो हमें स्कूल की लाइफ में पढ़ाते हैं, जब हम छोटी क्लास में होते हैं, फिफ्टी क्लास में जाते हैं, देन उसके बाद हम कॉलेज में पढ़ते हैं, तो वो जो हमारे टीचर होते हैं फिर वो लेक्चरर बन जाते हैं। और जो वहाँ के प्रिंसिपल्स वगैरह होते हैं, जो बड़े बड़े प्रोफेसर टाइप होते हैं, तो उनको हम प्रोफेसर बोलते हैं, जो किसी चीज़ को मुद्दे को लेकर वो बहुत ही पब्लिक के सामने या बहुत सारे स्टूडेंट के सामने वो किसी मैटर को डिस्कस करते हैं। मतलब तो टीचर हो गए, फिर लेक्चर हो गए, फिर प्रोफेसर हो गए, जो बहुत ही हाई लेवल के होते हैं। उसके अलावा जो दूसरे टीचर होते हैं, जैसे गुरु के बात करें, तो जैसे आजकल हमारे हम अपने सामने जब हम मतलब जब हम किसी भी क्लास में जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं, मतलब जैसे भारत में जब बच्चा मतलब 2-3 साल का होता है, चलने फिरने लगता है, थोड़ा सा मतलब लगता है, बोलने लगता है, तो उसको छोटी क्लासों में डाल दिया जाता है। जैसे भारत में जो क्लासेस स्टार्ट होती हैं प्राइवेट स्कूल की, वो नर्सरी KG LKG फर्स्ट सेकेंड, और जो गवर्नमेंट स्कूल की क्लासेस होती हैं पहले से प्राइमरी में 6 से 10वीं या 12वीं तक होती हैं। मतलब तो कह लेंगे मतलब फिर उस बच्चे को छोटे क्लास में डाल दिया जाता है, तो बच्चा अपना धीरे धीरे पढ़ाई करते हुए अपना आगे का जो उसकी पढ़ाई होती है उसको पूरी करता है। मतलब तो ये तो हो गए जो हमें स्कूल में फिर कॉलेज वगैरह में हमें पढ़ाते हैं। दूसरे वो होते हैं मतलब जिनको हम गुरु बोलेंगे, टीचर तो ये भी हैं, लेकिन अलग अलग प्रोफेशन के हिसाब से भी मतलब
जो हमें अलग अलग चीज़ों को सिखाते हैं, मतलब जैसे आगे जैसे आजकल हम जैसे कॉलेज पास कर लेते हैं तो हमें अपने जीवन के अंदर कुछ भी बनने के लिए किसी ना किसी फील्ड को या किसी ना किसी फील्ड में अपना करियर बनाना ही होता है। ऑप्शन के तौर पर आजकल बहुत सारे हमारे सामने करियर बनाने के लिए फील्ड अवेलेबल है, मतलब उपलब्ध हैं। तो जैसे कि आजकल हम हर चीज़ के लिए आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, मतलब जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, फोटोग्राफर, एक्टर, क्रिकेटर, और अगर अच्छी खासी अगर बॉडी हाइट वगैरह तो आप आर्मी वगैरह में जा सकते हैं। कई लोग जैसे अच्छी बॉडी वगैरह होती है तो वो लोग बॉडी बिल्डर बन जाते हैं, जिम ट्रेनर बन जाते हैं, बॉडी गार्ड बन जाते हैं, मतलब अच्छी 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 जगहों पर, मतलब उसके अलावा दुनिया भर के दूसरे अलग अलग बिजनेस करने के भी अलग अलग तरीके, मैकेनिक वर्क भी होता है कई सारे, मतलब तो कहने मतलब आपको डिसाइड, और सिंगर हो गया, डांसर हो गया, म्यूजिक डायरेक्टर हो गए, और बहुत सारी चीज़ें आजकल हमारे सामने अवेलेबल है जिसमें हम अपना अगर हमारा इंटरेस्ट लेवल हो अपने जानने के बाद, मतलब किस फील्ड में हमारा इंटरेस्ट लेवल है उसको जानने के बाद ही हम उसमें वर्क करते हुए, हार्ड वर्क करते हुए हम अपने उस फील्ड में हम अपना करियर बना सकते हैं। तो मान लो जैसे कि आपने मतलब जैसे आपने सोचा कि आपको सिंगर बनना है या डांसर बनना है, तो जैसे सिंगिंग के भी अलग अलग टीचर होते हैं, गुरु होते हैं जो हमें सिंगिंग वगैरह सिखाते हैं। उसके अलावा जो डांस वगैरह भी अगर किसी को सीखना होता है तो उसके भी गुरु होते हैं, टीचर होते हैं जो हमें सिखाते हैं। कहने मतलब गुरु को हम कई जैसे गुरु को हम जैसे टीचर होते हैं, टीचर के हम शिक्षक ही बोलते हैं, और पर्यावरण के साथ में हम गुरु भी कह सकते हैं, जैसे गुरु हो गया, टीचर हो गया, शिक्षक हो गया, मतलब इस तरीके से। तो गुरु जो हमारे क्रिकेट हम देखते हैं जो कोच होते हैं उसको भी हम गुरु ही कहेंगे, क्योंकि वो उन चीज़ों को सिखाते हैं, उन चीज़ों की बारीकियाँ, कैसे सीखना है, कैसे फील्डिंग करनी है, कैसे अपने आप को फिट रखना है, मतलब इस तरीके से। जो मतलब दूसरे फील्ड्स वगैरह जैसे फोटोग्राफी जो होती है, फोटोग्राफी के भी कई सारे अकेडमी वगैरह होते हैं, वहाँ पर भी टीचर होते हैं, मतलब तो वो भी हमारे गुरु होते हैं, मतलब जिनसे हमें सीखने को कुछ भी मिले, मतलब अच्छी बातें सीखने को मिलती है, जो अच्छी अच्छी बातों को बताते हैं, मतलब तो हमारे गुरु होते हैं। चाहे हम किसी भी चीज़ से, चाहे वो हमें किसी फील्ड से रिलेटेड कोई हमें जानकारी दे रहे हों, या हमें किसी क्लास के सब्जेक्ट से रिलेटेड जानकारी दे रहे हों, या कॉलेज के किसी टॉपिक से रिलेटेड किसी सब्जेक्ट के बारे में उसको मतलब जानने के बाद वो उसको स्टूडेंट्स के बीच में डिस्कस कर रहे हों, मतलब तो ये सभी प्रकार की जो जानकारी देते हैं हमें वो हमारे गुरु कहलाते हैं, और उन गुरु कहलाते हैं, शिक्षक कहलाते हैं, टीचर कहलाते हैं, और उनका हमारा जो आजकल के जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण उनका स्थान है और होना भी चाहिए और रहेगा भी, क्योंकि अब हम बात करेंगे उनके लाइफ में महत्व के बारे में। तो उनके हम चार पांच विशेषताओं के बारे में बात करेंगे जो हर गुरु की खासियत होती है, हर टीचर या शिक्षक की खासियत होती है, मतलब। और हर साल 5 सितंबर के दिन टीचर्स डे भारत में मनाया जाता है, मतलब। तो हम उनके अब हम उनके महत्व के बारे में बात करेंगे कि पहला महत्व ये है, अब जो उनका जो गुरु के महत्व के जो पहले पॉइंट मतलब पॉइंट्स वगैरह हैं, हम पहले पॉइंट की बात करेंगे जो उनकी पहली खासियत है। तो गुरु का जीवन में होने का पहला जो हमारा महत्व है वो ये है कि गुरु हमेशा जो भी हम मतलब लाइफ में सीखना चाहते हैं, मतलब या करना चाहते हैं, मतलब वो हमें उस दिशा में गाइड करने की कोशिश करते हैं, मतलब उसके अगर वो उनकी नॉलेज है, मतलब उनके उनको अगर उस चीज़ की नॉलेज है, मतलब तो हमें हमेशा हमें उस चीज़ के बारे में बताने की कोशिश करेंगे, एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे और उस चीज़ को अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे, मतलब। और दूसरा, गुरु हमेशा अगर आप कुछ भी गलत कर रहे होते हैं तो वो आपको सच के पायदान पे रखते हैं, मतलब कि आप कितने परसेंट ओके हो चुके हो, मतलब वो झूठी आपको झूठी तसल्ली नहीं देखते हैं। जैसे आपने देखा होगा स्कूल वगैरह में आप टेस्ट वगैरह देखते हो तो टेस्ट में अगर आपके 10 में 7 नंबर आ रहे हैं, 8 नंबर आ रहे हैं, 6 या 5 जो भी नंबर आ रहे हैं, मतलब तो आपको अपनी रियलिटी पता चलती है, तो मतलब वो आपको वास्तविकता पर रखते हैं ताकि आप जब वास्तविकता में आप अपने जियोगे, अपना परफॉर्मेंस दोगे तो आपको पता चलेगा आप बेटर हो या एवरेज हो या पुअर हो, और उसके साथ फिर अपने आप प्रैक्टिस करोगे, मतलब आप गुरु जो होते हैं आपको हमेशा वास्तविकता में रखते हैं, आपको किसी अंधेरे में नहीं रखते, मतलब जो आपकी रियलिटी होगी उस वही आपको दिखाएंगे। तीसरी जो उनकी खासियत है वो ये है कि वो आपको जब जैसे मतलब अब वो आपको मोटिवेट करने का काम करते हैं। मान लो कभी आप किसी दुविधा में पड़े हो या कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, आप बहुत ज़्यादा सैड हो या कोई चीज़ आपको डाउट हो रही है, तो अगर आप उनके संग शेयर करोगे जो आपके गुरु हैं मतलब या टीचर हैं या आपके मतलब जो शिक्षक हैं मतलब, तो वो आपको उस जगह पर मोटिवेट करने का भी काम करेंगे, मतलब आपको उसके बारे में प्रेरणा भी देंगे, मतलब कि हाँ अगर तुम
मोटिवेट करते हुए बताएंगे कि इस काम करोगे तो आपको ये चांसेस है आगे जाके जीवन में सफल होने के, ये फायदे हैं, और इस तरीकों को फॉलो करोगे, स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आप डेफिनेटली जीवन में कुछ एक ना एक दिन कुछ अच्छे व्यक्ति बन ही जाओगे। तो इसीलिए उनकी खाते तो क्या हो, आपको मोटिवेट करने का मोटिवेट करते हैं, जब आपको कुछ प्रॉब्लम वगैरह होती है तो आपको उस डाउट को क्लियर करते हैं। चौथा, गुरु बोलते हैं कि जीवन में तीन लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा हमें सही मार्ग दिखाते हैं, तो पहले माता, दूसरे पिता और तीसरे गुरु। तो गुरु का हमारे जीवन में इसलिए भी ज्यादा इम्पोर्टेंट स्थान है क्योंकि वो कभी भी हमें जीवन में हम कुछ भी करना चाहते हैं मतलब, तो वो हमें मतलब हमेशा अच्छा रास्ता दिखाएंगे, सच्चा रास्ता दिखाएंगे, सही रास्ता दिखाएंगे, और जिससे हमें आगे रखे हमारे फ्यूचर में भलाई हो, हम अच्छे बने, वही रास्ता हमें वो अपने जीवन में दिखाते हैं। तो इस पर्पज से भी गुरु का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि वो हमें हमेशा अच्छी चीज़ों को दिखाएंगे, अच्छी चीज़ों के बारे में बताएंगे, और हमारी लाइफ कैसे सक्सेस होगी, कैसे हम जीवन सफलता को प्राप्त करेंगे, वो उस तरीके से हमें पूरी के पूरी मतलब गाइड भी करते हैं और समझाने की कोशिश भी करते हैं, मतलब वो हमें हमेशा सच्ची राह पर चलने की पूरी राह दिखाते हैं और समझाते भी हैं। जो पांचवी और आखिरी गुरु जो टीचर होते हैं उनकी खासियत यह होती है कि वो मतलब जैसे जब स्टूडेंट छोटा होता है मतलब, तो मतलब वो मतलब उनका स्टूडेंट होता है, लेकिन जब वही स्टूडेंट काफी बड़ा हो रहा था जीवन में कुछ बन जाता है, तो वो ऐसा फ्रेंड भी मतलब आपके एक फ्रेंड की तरह भी होते हैं मतलब, तो आपको एक ऐसा फ्रेंड भी आपकी मदद करने की कोशिश करते हैं कि चलो अगर ये मतलब ऐसे टीचर मुझसे कुछ छुपा रहा हो या बताने की कोशिश नहीं कर रहा हो और मन पे या माइंड पे अपने प्रेशर रखा हो, तो हो सकता है ऐसा फ्रेंड अगर मैं इसको कुछ पूछूं तो हमें बताने की कोशिश करे। तो कहने मतलब वो हमसे ऐसा फ्रेंड भी हमारी हेल्प करने की कोशिश करते हैं, हमारे डाउट्स, हमारे जो भी कमियां होती हैं उनको समझाने की कोशिश करते हैं, और हमारी हर तरह से हेल्प करने की और हमारे हर तरह से मदद करने की पूरी कोशिश करते हैं। ये था दोस्तों आज का मेरा एक नया वीडियो गुरु के जीवन में महत्व के बारे में। आशा करता हूँ कि आप सबको आज की मेरी ये नया टॉपिक जरूर पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत यहां पर स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन पर जाइए और उसको प्रेस कर दीजिए। उसके साइड में आपको एक बेल वाला आइकन भी जरूर दिखाई देगा, उसको भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियोज़ को आप देख सकें, उनसे सीख सकें और उनको सीखते हुए अपने लाइफ में ग्रोथ कर सकें, उनसे कुछ प्रेरणा प्राप्त कर सकें, उनसे कुछ मोटिवेशन प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये नया वीडियो। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जीवन के तीन सच्चे साथियों के बारे में, मतलब जो हमें हमेशा अच्छा मार्ग दिखाते हैं। तो वो कौन है उनके बारे में ही आज हम जानेंगे मतलब। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं जीवन के उन तीन सच्चे साथियों के बारे में। तो हम पहले साथी के मतलब जो हमारे पहले सबसे जो मतलब साथी हैं मतलब जो हमारे साथ रहते हैं वो हैं, वैसे मैं तीनों के बता दूँ तो पहली होती हैं माता, दूसरे होते हैं पिता और तीसरे होते हैं गुरु। मतलब ये जो तीन हमारे जीवन के हिस्से होते हैं मतलब हमारे साथ रहते हैं मतलब हर जीवन के मतलब जो हमारे मोड़ आते हैं, और ये हमें जीवन के हर मतलब जो भी हमारे जीवन में जब भी कोई परेशानी आती है तो हमें अच्छे से सब कुछ बताते हैं मतलब। तो हम बात करते हैं हर एक मतलब जो तीन सच्चे साथी होते हैं उनको हम इंडिविजुअली उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो होंगे हमारी माता यानी हमारी मदर, जो तीन सच्चे साथी में सबसे पहले आती है, क्योंकि जो हमारी माँ होती है मतलब कोई भी माँ होती है मतलब वो कभी नहीं चाहेगी मतलब कि मतलब उसका जो बेटा है मतलब किसी गलत आदतों में पड़े, किसी गलत संगत में पड़े, या कुछ भी अगर वो हमें देखेंगे मतलब कि हम हमारे दोस्त वगैरह, क्योंकि हम जब
अगर हम छोटे होते हैं मतलब, तो हम गली के गली में खेल रहे होते हैं, तो उनको पता होता है कि गली में किस तरह के बच्चे रहते हैं या किस तरह के बच्चे खेलते हैं, उनकी आदतों के बारे में, कि कोई ज्यादा बात करता है, किसी की बुरी आदतें होती हैं, तो वो हमें, और जब हम बड़े भी हो जाते हैं तो वो हमें और फिर हम जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम जैसे हमारे बड़े फ्रेंड्स हो जाते हैं, हम स्कूल के हमारे फ्रेंड होते हैं, कॉलेज के फ्रेंड होते हैं, तो कई बार हम उनके साथ मिलने जब हम दिन और घर से निकलते हैं उनसे मिलकर आ जाते हैं, फिर कई बार हम काफ़ी ज़्यादा टाइम पर लगाते हैं, तो माँ के पास हक होता है कि वो हमारे कि हम किससे मिलते हैं, किस तरह के हमारे फ्रेंड्स हैं और उन फ्रेंड्स की हमारे क्या आते हैं, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस होता है हमारी माँ के पास, तो जब हम उनको बताते हैं कि ये हमारा फ्रेंड है, यहाँ पर रहता है, इस तरह का काम करता है, तो जैसे 10 फ्रेंड में से कोई ना कोई ऐसा फ्रेंड होता है जो कुछ ना कुछ गलत आदतें होती हैं या वो अच्छा नहीं होता है संगत के हिसाब से, तो माँ हमेशा हमें बुरी संगत में रहने से बचाने की कोशिश करती है, और ये चाहिए कि हम अपने जीवन में हमेशा अच्छे लोगों के संगत में रहें, और जब अच्छे लोगों के संगत में रहेंगे तो उनके जो भी हैबिट्स वगैरह होंगे, जो उनकी अच्छी अच्छी आदतें होंगी, हम उनको फॉलो कर पाएंगे, और जब फॉलो कर पाएंगे तो हम भी उन हैबिट्स को अपने जीवन में उतार पाएंगे, और जहाँ उन हैबिट्स को अपने जीवन में उतार पाएंगे तो आफ्टर सम टाइम हम भी अच्छी संगत वाले लोगों में शामिल हो जाएंगे, तो जब माँ होती है हमेशा हमें अच्छी संगत में पढ़ अच्छी संगत वाले लोगों के बीच में उठने बैठने को बोलती है, उसे दोस्ती करने को बोलती है, और जब हम कोई भी गलत काम कर देते हैं बाई चांस बाई मिस्टेक भी तो हमें प्यार से समझाते हुए बोलती है कि समझाते हैं कि हमें कोई भी जीवन में गलत काम नहीं करना चाहिए, किसी के दिल को चोट नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी को गलत शब्द नहीं बोलना चाहिए, और किसी को सबके साथ हमें अच्छे से पेश आना चाहिए, जो जीवन को अच्छा बनाने के अच्छे संस्कारों और अच्छी आदतें होती हैं वो हमें माँ से ही मिलती है, कि हम अपना अगर जीवन अच्छा बनाएंगे, हम अच्छे संस्कारों को अपने जीवन में डालेंगे, अपने लाइफ में उतारेंगे, तो ही हम अपने जीवन में एक अच्छा व्यक्ति, एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं, क्योंकि आजकल के समय में अच्छे लोगों को ही बाहर पूछा जाता है, उनके बारे में जाना जाता है, और हर व्यक्ति अच्छे लोगों के साथ ही कांटेक्ट करना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं, क्योंकि जब वो अच्छे लोगों के साथ कांटेक्ट करेंगे, संपर्क करेंगे, तो उनके साथ घुले मिलेंगे और बातचीत करेंगे, तो उनको भी वो सारी अच्छी चीज़ें जानने को मिलेंगी और अच्छी चीज़ों के बारे में जानने को मिलेंगी उन लोगों से, तो उनकी जो नॉलेज होगी, उनका जो ज्ञान होगा वो बढ़ने लगेगा, जब बढ़ने लगेगा तो वो आगे के विद्वान और अच्छे संस्कारों वाले व्यक्ति बनेंगे, तो ये थे हमारे हमने माँ के बारे में जाना, जो हमारी पहले सबसे साथी होती है जीवन में, जो हमें हमेशा अच्छी राह दिखाती हैं, अच्छे लोगों के संगत रखने के लिए बताती हैं हमें, जब हम दुखी होते हैं या कुछ हमें अंदर से कुछ अंदर से जैसे एक दुखी सा फीलिंग हो रहा होता है तो हमें मोटिवेट भी करती हैं, हमें अच्छी अच्छी प्रेरणादायक बातें भी बताती हैं, क्योंकि उनके पास अपने जीवन का अनुभव होता है, उनके पास एक्सपीरियंस भी होता है, तो ये थी माँ, माँ हमारे जीवन की सबसे पहले सच्ची साथी। अब हम बात करते हैं दूसरे यानी दूसरे सच्चे साथी यानी हमारे पिता। पिता जो होते हैं वो हमेशा अच्छी आदतों को अपनाने के बारे में बताएंगे, हम कुछ भी जैसे कुछ गलती कर भी देते हैं तो हमें तुरंत डांट देते हैं या मार देते हैं, क्योंकि अगर हमें वो डांटेंगे नहीं, हमें मारेंगे नहीं, तो हमें लगेगा कि हमें उनका डर नहीं रहेगा, फिर लगेगा हमें इस गलती को और ऐसा करना चाहिए, लेकिन वो इसलिए हमें डांटते हैं मारते हैं ताकि हम उन गलत काम को या कभी कोई गलत शरारत कर देते हैं या कोई गलत चीज़ कर देते हैं या कोई चीज़ हमसे टूट जाती है सावधानी ना बरतते हुए, तो हमें तुरंत डांटते हैं कि बेटा हमें हर चीज़ को इस काम को सावधानी से करना चाहिए, ये चीज़ अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए, तो हमारे जो सेकेंड वो एक गाइडर की तरह, एक मेंटर की तरह काम करते हैं और एक मोटिवेशनल हमारे स्पीकर की तरह भी होते हैं, क्योंकि हम कुछ भी करते हैं तो हमें दिन भर काम करके या स्टडी करके हमें वापस घर में ही आना होता है, तो वो हमें अच्छी आदतों को अपनाने के बारे में बताते हैं, ताकि हम एक जीवन में अच्छा व्यक्ति बन सके, और वो उनका यही, और वो पूरी वो जब जॉब वगैरह करते हैं तो वो हमें, क्योंकि जब वो जॉब करते हैं या किसी भी लेवल पे या किसी भी कंपनी में काम कर रहे होते हैं तो उनकी वो यही कोशिश करते हैं कि हम अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़कर
एक अच्छे मतलब एक अच्छी नॉलेज को अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर सकें, और जब अच्छी एजुकेशन प्राप्त होगी, अच्छी नॉलेज होगी हमारी, तो हमें आगे आके अच्छी जॉब वगैरह मिलेगी, ऑफर जॉब के ऑफर वगैरह आएंगे, और हम आगे जाकर अपना जीवन अच्छा व्यक्ति बन सकेंगे। और कई बार तो जैसे माता पिता होते हैं, पहले पहले माता की बात किया और पिता, दोनों की यही खासियत होती है कि पहले वो अपने बच्चों की नीड्स को पूरा करना, अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा करना ज़्यादा महत्व देते हैं। वो पुराने कपड़े पहन लेंगे, कपड़े नहीं खरीदेंगे, बट अपने बच्चों के मतलब अगर स्कूल जाना है तो प्रॉपर ड्रेस, प्रॉपर टाई, कॉपी किताबें, ज्योमेट्री, जूते, मतलब जो भी स्कूल में आपको अच्छे चाहिए, वो पहली चीज़ उनको पूरी करेंगे, भले ही वो अपने इच्छाओं को क्यों ना दबाते या मार दे। मतलब तो माता पिता की हमने बात की, जो मतलब पहले हमने माता की बात की, दूसरा पिता की बात की, जो हमारे सच्चे साथी होते हैं। कई बार कई ऐसे घरों में देखा जाता है जो पिछड़े मतलब होते हैं, जिनकी मतलब दैनिक आय बहुत कम होती है, मतलब तो कई बार खाना भी बहुत कम होता है घर के अंदर, तो वो अपने इच्छाओं को मारकर पहले अपने बच्चों को भरपेट खाना खिला देते हैं, उसके बाद अगर कुछ बच जाता है खाना तो वो खाते, कहने मतलब पहले वो अपने बच्चों को भरपेट खाना खिलाते हैं, उसके बाद अपने आप को प्राथमिकता देते हैं खाना खाने के लिए। तो ये थे पहले हमारी माता, दूसरे हमारे पिता, तीसरा जो हमारे जीवन के सच्चे मार्गदर्शक होते हैं, जीवन के हमारे तीसरे जो सच्चे साथी होते हैं, वो होते हैं हमारे गुरु। गुरु जो होते हैं, हम जब छोटे क्लास में मतलब ज्वाइन करते हैं या एडमिशन लेते हैं, तब से वो हमारे हमारे हम गुरु से कनेक्ट हो जाते हैं, जो हमारे टीचर होते हैं, हमारे गुरु मतलब गुरु ही होते हैं। मतलब तो गुरु जो होते हैं मतलब वो हमेशा कभी भी मतलब अपने मतलब जो उनके मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनके जो छात्र होते हैं, हमेशा उनको अच्छा मार्ग ही दिखाएंगे, और हमेशा उनको मतलब अपने जीवन में सफलता कैसे प्राप्त करें और क्या क्या चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, किन किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, कैसा बनने के लिए हमें किस किस तरह का आचरण को अपनाना चाहिए, किन किन संस्कारों को अपनाना चाहिए, किस तरीके का हमें नियमों को अपनाना चाहिए, इस सभी तरह की गाइडेंस जो होती है मतलब गुरु हमें प्रदान करते हैं। मतलब और हम स्टडी कर रहे होते हैं तो मतलब अगर कुछ हमसे जैसे मार्क्स वगैरह कम आते हैं या मतलब हम गलती भी कर देते हैं, मारते हैं, क्योंकि अगर हम क्योंकि आजकल आपको जैसे अच्छे अच्छे नंबर से जब पास हो गए, तभी आपको एक लोग अच्छे से आपकी सराहना करते हैं, अप्रिशिएशन करते हैं। मतलब कि अगर आपने देखा हो कि कोई 70 से ऊपर अगर कोई नंबर ले गया था, 70 80 90%, तो उस लोग उन बच्चों के उन स्टूडेंट्स के भी वाह वाह करेंगे, उनके बारे में जानेंगे, उनसे फ्रेंडशिप करना चाहेंगे और बोलेंगे अरे इसने तो 90% लाया, 70 80% लेके आया, तो उन लोगों की काफ़ी ज़्यादा लोग करते हैं। तो जो टीचर होता है, गुरु होता है, उनकी नज़र में सारे छात्र एक समान होते हैं, वो यही सोचते हैं कि उनका जो छात्र होता है मतलब सभी छात्र 80 90% लेके आए, तो जब कोई अच्छा बच्चा अच्छा नंबर से लेके आता है मतलब, तो उनकी टीचर सराहना भी करता है और उनके लिए क्लैपिंग वगैरह भी कराता है, ताकि वो और मोटिवेट मतलब उत्साहित हो सके। लेकिन इस तरीके से जब कोई बच्चा कम नंबर भी लेके आता है, इसलिए मारते हैं या उसको डांटते हैं मतलब, ताकि वो नेक्स्ट टाइम उस गलती को ना करे, अच्छे से पढ़े और चीज सब्जेक्ट को समझे मतलब, और फिर नेक्स्ट टाइम और अच्छे से अच्छा ज्यादा नंबर लेकर आ सके। मतलब क्योंकि टीचर को तो सभी टीचरों पे बराबर फोकस करना है मतलब, और जो खास तौर पर जो कमजोर बच्चे होते हैं, उन पर उनको ज्यादा फोकस करना होता है मतलब, क्योंकि बच्चे कई तरह के होते हैं, किसी का जो माइंड का कैचिंग पावर होता है काफी स्ट्रांग होता है, किसी का एवरेज कमजोर होता है, और किसी का बहुत ज्यादा कमजोर होता है मतलब। तो टीचर को तो मतलब सभी को बराबर फोकस करना है और सभी को अच्छे नंबर से पास कराने की कोशिश करना है, तो वो हर बच्चे को अच्छे तरीके से गाइड करते हैं, अच्छे से हर चीज़ों को समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, और जो भी कुछ अगर आप उनसे सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आप कितनी बार भी पूछोगे, वो आपको हमेशा समझाने में हेल्प करेंगे, और आपको आगे का जीवन कैसे मतलब आगे बढ़ना है अपने जीवन में, आपको एक गाइडर भी करेंगे, मेंटरिंग भी करेंगे आपकी, तो आपको अच्छे से गाइड करने का भी पूरा पूरा कोशिश करेंगे। तो ये थे दोस्तों तीन वो हमारे जीवन के सच्चे साथी, जो हमेशा जब भी हम कोई अपने जीवन में काम करते हैं या जो भी हम बनना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, हमेशा अगर हम किसी शेयर करें कि हम ये बनना चाहते हैं, हम कैसे बने, तो वो हमेशा हमें आप अच्छी रास्ता ही बताएंगे, और ऐसा रास्ता बताएंगे जिसको हम अगर हम फॉलो करेंगे अच्छे रास्तों को, तो जो भी हम अपने जीवन बनना चाहते हैं मतलब, एक ना एक दिन हम उस चीज़ को जरूर अपने जीवन में अचीव करेंगे, एक ना एक दिन हम जरूर उन चीज़ों को अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। इसके अलावा जो भी जैसे हम करें कि दोस्त भी हो सकता है कि आपके वो सच्चे साथी ना हो मतलब, क्योंकि दोस्त भी मतलब 10 दोस्त हैं तो उसको एक अच्छा मिलेगा, बाकी हो सकता है अच्छा ना हो मतलब, तो अच्छे संगत वाला भी दोस्त हो सकता है आपको इजली ना हो मतलब, तो मतलब इन तीनों को छोड़ के बाकी जो लोग होते हैं, हो सकता है कि हमें अच्छे से हमारे
गाइड ना करे, अच्छे से हमारे मेंटरिंग ना करे, अच्छे से हमारा साथ ना दे। बट ये तीनों जो हमारे जीवन के तीन सच्चे साथी हैं, हमेशा हमें हर मोड़ पर, हर एज में और हर समय हमारा मदद करने के लिए, हमें समझाने के लिए, अच्छे से गाइड करने के लिए हमेशा हमारे साथ तैयार रहते हैं, हमेशा हमारे हर कंडीशन में, हर प्रॉब्लम से हमारे साथ खड़े रहते हैं। तो दोस्तों, मैंने उन तीन साथियों की बात की अपने जीवन में, जो हमें अच्छा रास्ता दिखाते हैं और अच्छा हमें जीवन के पथ पर ले जाते हैं, ताकि हम अपने जीवन में अच्छे काबिल और संस्कारी व्यक्ति बन सकें। तो दोस्तों, ये था मेरा एक आज का एक नया वीडियो, जिसके थ्रू मैंने आप सभी को बताने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, कैसा लगा मेरा आपको आज का ये नया वीडियो। लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड्स।